अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। आज मैं आपको एक डेमो लेक्चर देने जा रहा हूँ। एक्चुअली ये डेमो लेक्चर क्या है, ये एफआईए क्रैश कोर्स जो कि हमारा पहला बैच था उसकी जो क्लास रिकॉर्डिंग्स हैं या क्लासेस जो हमने लेक्चर्स डिलीवर किए हैं उनके कुछ क्लिप्स हैं। तो काफ़ी सारे लोग जो है, नया बैच शुरू होने जा रहा है हमारा 4 सितंबर को, और उसके बारे में पूछ रहे थे जी कि आप किस तरह से पढ़ाते हैं, कौन कौन से टीचर्स हैं, उनका पढ़ाने का मेथड क्या है, किस तरह से, कुछ तो हमें बताएं। सो दिस इज़ फॉर ऑल ऑफ यू गाइज, आप भी देख सकते हैं, जो पुराने व्यूअर्स हैं, नए जो हैं वो भी देख सकते हैं। और इसमें पुराने बैच की जो है वो क्लास रिकॉर्डिंग्स के छोटे छोटे क्लिप्स होंगे। मैं बहुत छोटे क्लिप्स जो है वो तो नहीं दूंगा क्योंकि उससे तो आपको समझ नहीं आएगी कि किस तरह से हम पढ़ाते हैं। 5 5 6 6 मिनट के, 10 10 मिनट के, 15 15 मिनट के भी क्लिप्स हो सकते हैं। तो हर एक क्लिप के लिहाज से आपको आइडिया हो जाएगा इंग्लिश हम किस तरह से पढ़ाते हैं। और इसके अलावा जनरल नॉलेज है या फिर मैथ्स है, एवरीडे साइंस है, इस्लामियात है, ये सारे किस तरह से पढ़ाए गए हैं, किस तरह, कितनी मेहनत की गई है, और काफ़ी सारा पॉजिटिव फीडबैक है हमारे पास स्टूडेंट्स का। तो आई एम श्योर कि आप लोग भी इसमें एनरोल होना चाहेंगे। लिमिटेड सीट्स हैं, टाइम से एनरोलमेंट करवा लीजिएगा। तो ये बिल्कुल आप इसको कह सकते हैं कि ये क्रैश कोर्स की एक रीकैप है या डेमो कह लें, जो कि हमारा 2 मंथ्स का सेशन था। और उसका कुछ मैं आपको हाइलाइट्स अभी बता देता हूँ, फिर उसके अलावा कुछ सेक्शंस के हवाले से मैं अलग अलग भी आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूंगा, और फिर बाद में आपके पास इसी वीडियो में उन सारी रिकॉर्डिंग्स की स्निपेट्स आ जाएंगी या क्लिप्स आ जाएंगी, जिसमें आप देख सकेंगे टीचर्स किस तरह से पढ़ाते हैं और हम लोग किस तरह से आपको गाइड करते हैं। तो 2 मंथ्स में हमने तो कंप्लीट सिलेबस कर दिया। जो लोग कहते हैं ना कि 3 4 महीने से कम जो है वो एफआईए की तैयारी नहीं होती, तो जनाब हमने 2 महीने में कंप्लीट सिलेबस करवाया था। जितने उसमें सब्जेक्ट्स मेंशन है सारे कंप्लीट करवा के उसके साथ टेस्ट भी लिए थे, 7 वीकली टेस्ट थे, और उन सारों की अलग अलग से डिस्कशन भी थी। मैथ्स की डिस्कशन जो है मैं क्लास में करता होता था, तो वो सारा कुछ हमने किया था। और इसके अलावा जो लाइव लेक्चर्स के साथ साथ आपको पीडीएफ फॉर्म में मटेरियल भी शेयर किया गया था, एक्सक्लूसिव मटेरियल भी था, कुछ कॉमन भी था, सारे को मिला के हमने एक अच्छी तैयारी की थी। एंड इसके अलावा जो हमारे जो मॉक टेस्ट हैं बाद में हुए थे वो अलग सेशन था खैर, लेकिन 10 मॉक टेस्ट से आप जो हमारे एफआईए वाले बच्चे थे उनकी प्रैक्टिस भी करवाई गई थी, जो कि काफ़ी फ्रूटफुल साबित हुए। एंड द रिजल्ट इज़ दैट के अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव स्टूडेंट्स के जिन्होंने ADFIE और इंस्पेक्टर FIE के एग्जाम्स में 75, 76, 81, 83, 88, इवन 88 जो है वो इंस्पेक्टर FIE बैच 1 में हमारे स्टूडेंट के आए हैं। तो ये हमारे रिजल्ट्स हैं। इसके अलावा 78 जो है वो ADFIE में आए हैं, जिस वक्त ADFIE में 75 क्रॉस करना मुश्किल हुआ हुआ, तो उस वक्त भी 78 है मेरे एक स्टूडेंट के, सैफुल्ला नाम है उनका। सो दिस इज़ ऑल ड्यू टू द प्रीवियस क्रैश कोर्स। अगर उस क्रैश कोर्स में 2 महीने में तैयारी करके लोग 77, 78, 88 ले सकते हैं, तो आई एम श्योर के यू नो के 3 महीने की जो कम्प्रीहेंसिव तैयारी है उसमें आप PPSC, FPSC सारे टेस्ट जो हैं उनमें कहाँ कहाँ तक जा सकते हैं। अगर आपने अच्छे तरीके से मेहनत की हुई है, सारे लेक्चर्स रिवाइज किए हुए हैं, नोट्स वगैरह बनाए हुए हैं, साथ साथ हमारे टेस्ट अच्छे से दिए हुए हैं। जो लोग टेस्टों में आते थे ना, जो लोग बहुत ज़्यादा टेस्ट देते थे, मुझे नज़र आ रहा था जी कि उनकी प्रोग्रेस कैसे है, तो टेस्ट से आप भी अपनी प्रोग्रेस को इवेल्युएट कर सकते हैं। आप अपने आप को ऊपर जाते हुए देख सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता मेरी स्टडी की हैबिट भी डेवलप हो रही है, मैं ज़्यादा पढ़ भी पा रहा हूँ, ज़्यादा चीज़ें रिटेन भी रह पा रही हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि यही सारा कुछ हमें MCQs या फिर GK बेस्ड एग्जाम्स में चाहिए होता है। तो इस वीडियो के अंदर आपको सबसे पहले तो नहीं, खैर अभी ऑर्डर मुझे याद नहीं है वीडियोस किस तरह से आएंगी, लेकिन मैथ्स की प्रैक्टिस आपको नज़र आ जाएगी कि मैथ्स में किस तरह से करवाता हूँ। अब वो मैथ्स की जो लास्ट क्लास है जो कि 9th क्लास थी उसकी एक वीडियो है। 9 लेक्चर्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ मैथ्स पे हुए थे, ठीक है। और उसके अलावा मैथ्स में दो दो तीन तीन चार चार दफ़ा जो है लोग पूछते थे। एक हमारे साथ डॉक्टर साहिबा थी वो FIE क्रैश कोर्स में, तो चूंकि वो डॉक्टर थी उन्होंने FSC में भी मैथ्स नहीं था पढ़ा, तो वो काफ़ी वीक थी। इसी तरह एक मेरी स्टूडेंट मुस्कान थी हैदराबाद से, उनको भी मैथ्स में काफ़ी डिफिकल्टी थी, लेकिन टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सेशन दे वर वेरी मच कॉन्फिडेंट इन मैथ्स। और मैथ्स आपको इस लेवल का करवाया गया था कि चाहे FIE में मैथ्स थोड़ा सा इजी आता है, लेकिन ये आपकी लॉन्ग टर्म तैयारी है। हम आपको एक दफ़ा तैयारी करवाते हैं तो ये आपको अगले साल 2 3 में जितने भी आपके पेपर हैं उनमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि यही मैथ्स आना है, इसके अलावा तो आना नहीं।
तो अगर आप इन्हीं चीज़ों को रिवाइज करके इनके ऊपर काम करके चले जाते हैं तो यू विल बी वेरी हैप्पी जब आपके सामने पेपर आएगा। और इस दफ़ा हमने देखा भी मैथ्स बहुत आसान आया था, वो तो सारा हलवा था, मेरे स्टूडेंट ने चट चट कर गए, ठीक है। और वीकली टेस्ट और उनकी डिस्कशन वगैरह तो मैंने की थी। इसके अलावा जी पाकिस्तान स्टडीज़ की अगर आप बात करते हैं तो वो उमर साहब ने डिटेल में पढ़ाया था, उसकी सारी की सारी हिस्ट्री जो है, मुगल हिस्ट्री, फिर प्री पार्टीशन हिस्ट्री, पोस्ट पार्टीशन भी, और सारे एक एक टॉपिक के अंदर जितने जितने पॉसिबल MCQs हैं वो साथ साथ वो लिखे होते थे। अब यहाँ पे फ़र्क आ जाता है जनरल जो GK की प्रेपरेशन है और इसमें भी, इसमें बाकी भी जो मॉड्यूल्स आप देखेंगे उनमें देखेंगे आपके जी कुछ तो डायरेक्टली MCQs लिखे हुए हैं आपके PDFs में, फाइल्स में या बुक्स में, लेकिन उनके साथ जो मिलते जुलते MCQs हैं वो सारे के सारे हमारे टीचर्स ने उधर लिख के आपको दे दिए, चाहे वो पाक MCQs की फाइल में है चाहे वो PDFs में है, उनके साथ साथ MCQs और लंबी लंबी लाइनें लिखी होती थी ताकि आपको समझ भी आ जाए। और दूसरा कि जी ब्लड ग्रुप्स है, ब्लड ग्रुप्स के हवाले से तीन चार दूसरे MCQs कौन से बनते हैं जी, इसी तरह कनकेव लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, उनमें फ़र्क क्या है, उनके यूजेज कौन कौन से हैं, कौन कौन से विटामिन हैं, इस्लामियात है, हज़रत उमर के बारे में कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, या फिर अहादीस के बारे में कॉमन क्वेश्चंस कौन से हैं। तो ये सारे जो हैं एक जगह पे इकट्ठे जब आप साथ साथ लिखते जाते हैं, उनकी प्रैक्टिस करते जाते हैं, तो वो आपका एक बहुत इंटीग्रेटेड सा सिस्टम बन जाता है जो कि आपको याद करने में आसानी होती है। वैसे तो MCQs जो हैं वो वाइड स्प्रेड होते हैं, आप जगह जगह से उठा उठा के बारी बारी याद करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आपस में जब कनेक्ट होना शुरू हो जाती हैं तो वो एक क्लस्टर की फॉर्म में आपको याद हो जाती हैं, जो कि एक लॉन्ग टर्म तैयारी के लिए हेल्पफुल है। आगे जो वीडियोज़ आएंगी आपको उसमें नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो GK जो है उसमें भी ऐसे ही है कि पाक MCQ से लिया गया था, लेकिन पाक MCQ से इसलिए लिया गया था क्योंकि वो FPSC की तैयारी के लिए बेस्ट सोर्स है। मैं आपको कई दफ़ा पहले भी कह चुका हूँ पाक MCQ बहुत अच्छा सोर्स है। अब पाक MCQ का मसला ये है कि ऑनलाइन पढ़ने में स्टूडेंट्स को मसला होता है, तो एक तो ये किया हमने कि पाक MCQ से जितना भी GK था कंप्लीट GK जो है वो आपको PDF फॉर्म में फ्राहम कर दिया गया, एक बात। दूसरी बात यह है कि साथ साथ उनकी एक्सप्लेनेशन, उनके ऊपर डिस्कशन जो है ना क्लास में, वो बहुत ज़रूरी थी, तो उमर साहब ने वो भी की और बहुत अच्छी की। उमर साहब, नवीद साहब, उन दोनों के बारे में मेरे पास बहुत अच्छा फीडबैक आया। मैं खुद भी मैथ्स और इंग्लिश और करंट अफेयर्स और FIA एक्ट मैंने खुद करवाया, उनके भी आप वीडियोज़ देख सकेंगे। और इंग्लिश की अगर आप बात करते हैं तो इंग्लिश मैंने करवाई, उसके अंदर वोकेबलरी प्रिपेयर करवाई, उसमें प्रेपोजिशंस करवाई, एनालिसिस करवाई, एक्टिव पैसिव वॉइस की रिवीजन करवाई, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की रिवीजन करवाई, सेंटेंस करेक्शंस करवाई, यू नेम इट। और ग्रामर के भी जो बेसिक्स हैं जैसे सेंटेंस, नाउन, प्रोनाउन वगैरह, उनकी टाइप्स क्या क्या हैं, इस दफ़ा EDFI इंस्पेक्टर FIA में ये आए भी हुए थे जी, कि ये कौन सी टाइप का प्रोनाउन है, या कौन से ये जुमला कौन सा है, कंपाउंड है, कम्प्लेक्स है, कौन सा है, ये सारा कुछ जो है हमने उसी के अंदर कवर कर दिया था और आगे भी करेंगे इंशाल्लाह। फिर आ जाता है जी FIA एक्ट, तो उसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग जो है, एक तो मेरे यूट्यूब पे भी लेक्चर्स पड़े हुए हैं, लेकिन स्टूडेंट्स ने कहा जी कि हमें क्लास में आपने समझाना, तो क्लास में हमने अलग से एक और 1.5-2 घंटे लगा के तो उनको समझाया था। और कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग छोटी से छोटी लफ्ज़ों में, या फिर वो जो लॉ की टर्म्स होती हैं तो उनको ज़रा फेर फेर के लिखा होता है, तो उसकी भी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हमने ली थी एंड इट वाज वेरी हेल्पफुल। इसी तरह जो करंट अफेयर्स है उसके कंप्लीट लेक्चर्स फ्राहम किए गए थे, और फिर लेक्चर्स अगर आपको मिल जाते हैं तो उसके बाद उनको रट्टा मारने के लिए एक्सक्लूसिवली PDFs आपको दिए गए थे, PDF में मटेरियल था, आप उधर से रट्टा मारें, आप उनके प्रिंट लें, उनको अंडरलाइन करें, हाईलाइट करें, जो मर्जी करें, लेकिन द थिंग इज़ कि आपका 70% काम तो हमने कर दिया, चीज़ें कंपाइल करके दे दी, एक लेक्चर आपको दे दिए जिससे आपको काफ़ी अच्छी तरह से चीज़ें समझ आ जाती हैं। उसके बाद जो है आपके पास मटीरियल हमने आपको प्रोवाइड कर दिया PDF में और वीडियोज़ में भी, तो उससे मज़ीद क्लियर अंडरस्टैंडिंग और आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच गया। यही वजह है कि 2 महीने के अंदर हमारे स्टूडेंट्स ने तैयारी की और अल्हम्दुलिल्लाह दे हैव प्रोड्यूस्ड वेरी गुड रिजल्ट्स। और आगे भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो हमारा नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है इंशाल्लाह, इसमें हर महीने आप देखेंगे जब भी रिजल्ट आएगा उसके अंदर हमारे स्टूडेंट्स लाजमी होंगे, क्योंकि हमने तैयारी करवानी है 3 महीने के अंदर, फोकस तैयारी करवानी है। ये आम तैयारी की तरह नहीं है, दूसरी अकेडमीज की तरह या फिर जो आम GK की तैयारी होती है, आपको इसी इसके बाद जो है वीडियोस जो आएंगी उसमें नज़र आ जाएगा कि मैं किस तरह से तैयारी करवाता हूँ, या फिर किस तरीके से मेरे साथ जो टीचर्स तैयारी करवाते हैं, हाउ दे टेक थिंग्स
इन देयर हैंड, और वो डिस्कशंस भी करते हैं, क्वेश्चंस भी लेते हैं, उन क्वेश्चंस को एड्रेस भी करते हैं, और जो पास पेपर्स में एमसीक्यूज आए हुए हैं उनको भी एड्रेस करते हैं। एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस, तो आपने इस चीज़ को मिस नहीं करना। वीडियो लाजमी देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि जीके के बारे में कन्फ्यूज हैं कि जीके कहाँ से पढ़ा जाए, किस तरह से तैयारी की जाए, तो उनको ये वाली वीडियो आपने लाजमी भेजनी है ताकि वो देख सकें कि जीके का एक ऐसा सेशन स्टार्ट होने जा रहा है जो कि एक लेजेंडरी सेशन होगा इंशाल्लाह 3 महीने के अंदर। काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स, ऑलमोस्ट 12 सब्जेक्ट्स हैं जो कि पोस्टर में मेंशन है, उसमें इंग्लिश है, जनरल नॉलेज है, पाकिस्तान स्टडीज़ है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पाकिस्तान ज्योग्राफी, और उसके अलावा करंट अफेयर्स, मैथ्स, एवरीडे साइंस, इस्लामियात, उर्दू, कंप्यूटर, 11 तो ये मैंने अभी गिन दिए हैं, एक आधा और भी होगा। तो ये सारे जो है हम आपको इंशाल्लाह इसके अंदर कवर करवा देंगे। यू जस्ट हैव टू ज्वाइन दिस सेशन और इसको आपने मिस नहीं करना। स्टे ट्यून, और अभी आप वीडियो देखें, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। वीडियो देखें। को एक्सप्लेन करता जाऊंगा। सबसे पहले सेंटेंस आता है। सेंटेंस जुमले को कहते हैं। जुमला क्या है? जुमला एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है कि जो सेंस बनाता है या पूरी प्रॉपर सेंस देता है। अगर आप इसकी डेफिनेशन पे आ जाए तो विच मेक्स कंप्लीट सेंस, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस, क्या सेंस। और इसके जो पार्ट्स होते हैं जुमले के, उसको 1 मिनट जरा। चल, जो जुमले के पार्ट्स होते हैं जी, उसमें ये देखें कि सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है कि जो मेन बंदा है, जिसके बंदा है या चीज है, कोई भी नाम हो सकता है, कोई चीज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं डोर की बात करता हूँ या मैं फिर इस कबर्ड की बात करता हूँ, तो द कबर्ड इज मेड ऑफ वुड। ठीक है, ये इसमें मेरा सब्जेक्ट क्या है जी, वो है कबर्ड। अब सब्जेक्ट जो है वो यूजेज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आपका जो सब्जेक्ट है वो यूजेज के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई एक वर्ड जो है वो सब्जेक्ट के तौर पे यूज हुआ है या नहीं हुआ। वैसे जो है कबर्ड वो एक नाउन होता है। ठीक है, लेकिन जब हम उसको एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं, सब्जेक्टिव केस होता है, तब वो सब्जेक्ट बनता है। ठीक है, जब वो जुमले का कह लें कि जुमले का फोकल पॉइंट है, या फिर जुमला जब उस वर्ड के बारे में, उस नाउन के बारे में कहा जाता है, तो वो सब्जेक्ट बन जाता है। बाकी चीज जो है, जो भी इंफॉर्मेशन हमने उसके बारे में देनी है, वो हमारा प्रेडिकेट होता है। ठीक है, उसमें हमारा ऑब्जेक्ट हो सकता है, उसमें हमारा वर्ब हो सकता है, लिंकिंग वर्ब, वर्ब और कॉम्प्लीमेंट, सारा कुछ जो भी है वो आगे प्रेडिकेट का हिस्सा होता है। एक जुमले के सिर्फ और सिर्फ दो ही पार्ट होते हैं मेनली, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल आपने जो है ना बचपन से सुना हुआ है जी कि जुमले के 3 पार्ट होते हैं, SVO, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ लिखूं जी शट द डोर, ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है, इम्प्लाइड है कि भाई मैं किसी बंदे को कह रहा हूँ या मेरे सामने जो बंदा कह बैठा हूँ, मैं उसको कह रहा हूँ कि शट द डोर। ठीक है, शट यहाँ पे मेरा वर्ब है और द डोर जो है ये क्या उसको कहते हैं, नाउन आ गया मेरे पास, और इसमें कहने वाला और सुनने वाला वो गायब है। ठीक है, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ पे है ये बात है। सारी चीजों में इस तरह का, इस तरह की SVO वाली कंस्ट्रक्शन नहीं बनती आपकी, इसलिए आपने इसको जरा जहन से दूर रखना है। आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की फॉर्म में ही अब से जरा सोचना और समझना शुरू करेंगे। ठीक हो गया, एक तो ये चीज होगी। अब आगे चल रहे थोड़ा सा जी, सेंटेंस हो गया हमारे पास, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि एक कंप्लीट सेंस बनाता है। उसके बाद है जी उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहली टाइप है जी उसकी डेक्लरेटिव या असर्टिव, सिंपल, सनराइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, ये मैं डिक्लेयर करूँ या असर्टिव, मैं कोई बात बता रहा हूँ, डिक्लेयर करना। ठीक है, उसके लिए डेक्लरेटिव कैटेगरी है या डेक्लरेटिव सेंटेंस है। अब आपको 3 4 जुमले दिए जाएंगे, सनराइजेज इन द ईस्ट, एम आई गोइंग टू बी पनिश्ड फॉर दिस क्राइम, या फिर यूक्लेमेटरी, या फिर ऑब्जेक्टिव वगैरह जो है, मे यू लिव लॉन्ग वगैरह। तो उसमें से अगर वो आपको कहे भाई कि इसमें से डेक्लरेटिव या फिर असर्टिव सेंटेंस कौन सा है, तो आप क्या, कौन सा चूज करेंगे जी? एम ने हैंड रेज किया है जी, जी बोलिए। सर, ये ऐसे भी हो सकता है ना, डिक्लेरेटिव में हम फुल स्टॉप यूज करते हैं क्योंकि वो इट टेल्स अस समथिंग, इन इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क है बिकॉज वी आर आस्किंग समथिंग, एंड इम्पेरेटिव में एक्सक्लेमेटिव मार्क यूज होता है, लाइक स्टॉप, क्लोज द डोर,
एंड एक्सक्लेमेशन में एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज हो जाता है। इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी में कैसे फर्क करेंगे? सर इम्पेरेटिव तो वो होगा ना, वो कमांड कर रहा है हमें, स्टॉप एक्सक्लेमेटरी मार्क दिया देन आगे फर्दर बोला क्लोज द डोर। एंड एक्सक्लेमेशन में व्हाट अ फनी स्टोरी, तो हमने एक्सक्लेमेशन या इस तरह, तो हम इन पंक्चुएशन से भी इसको इजीली याद कर सकते हैं। पंक्चुएशन से भी आप इसको इजीली याद कर सकते हैं कि उसमें पंक्चुएशन किस तरह की यूज हुई है, लेकिन जो मेन चीज है उस जुमले का फंक्शन क्या है, आपने खुद ही बता दिया भाई कि इसमें हम किसी को हुक्म दे रहे हैं या बता रहे हैं, इम्पेरेटिव है वो, ठीक है। किसी और में आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, एक्सक्लेम कर रहे हैं, तो वो एक्सक्लेमेटरी है, ठीक है। तो अगेन वो बात वापस उधर ही फंक्शन पे आ जाती है भाई, उस जुमले की जिस्ट क्या है, उस जुमले को अगर आप थोड़ा सा बर्ड आई व्यू लें तो आपको क्या नजर आता है कि ये क्या है, आया कि ये स्टेटमेंट है, ये कोई चीज सिंपल डिक्लेयर कर रहा है, या फिर ये कोई चीज पूछ रहा है, या फिर ये किसी को हुक्म दे रहे हैं आप, या कोई और आपको हुक्म दे रहा है, या फिर आप कुछ कोई चीज अपनी एक्सक्लेम कर रहे हैं, अपनी फीलिंग एक्सक्लेम कर रहे हैं, ठीक है। और एक्सक्लेमेटरी के अंदर ही एक टाइप आ जाती है ऑपरेटिव भी, पहला जो है उसकी समझ आ गई हमें, ठीक है। इसमें सिंपल स्टेटमेंट होती है, हम स्टेटमेंट्स की एग्जांपल है, आई गो टू कॉलेज डेली और दे डू नॉट वर्क हार्ड। अब ये सारी आपकी वो ईकैट की ग्रामर है जो कि मेरे पास साइट पे पड़ी हुई है, आई खैर उधर ब्लर में नहीं आएगा, तो उससे मैं आपको साथ साथ एग्जाम्पल देता जाऊंगा, जितना मेरे से हो सकता है मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा, आई होप के चीजें साथ साथ क्लियर होती जाएंगी। इंट्रोगेटिव क्या होता है? इंट्रोगेटिव इंटेरोगेट करना, इंटेरोगेशन होती है किसी को जो है ना सवालों जवाब करना, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव कौन सा जुमला है जिसमें जनाब सवाल हो रहा है, जिसमें सवालिया निशान आपके पास आता है, वो इंट्रोगेटिव होता है आपके पास, ठीक है जी। ये क्वेश्चन मार्क होता है, ये जो है एक्सक्लेमेशन मार्क जो है उल्टा आई जो है बना होता है वो एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। इम्पेरेटिव जो है उसके एंड पे जरूरी नहीं है कि एक्सक्लेमेशन मार्क आए, जो फॉर एग्जांपल लाइट वेट या फिर जो लोअर इंटेंसिटी के आपके ऑर्डर्स हैं वो एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ नहीं लिखे जाते, ठीक है। उनको आप सिंपली कह देते हैं शट द डोर बस। अब मैं इसके अंदर अगर मेरा मतलब ये हो कि शट द डोर, फिर मैं उसके एंड पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाऊँ क्योंकि वो इंटेंसिव है, लेकिन अगर मैं सिंपली अपने भाई को कह रहा हूँ या अपनी बहन को कह रहा हूँ मेरे से पढ़िए जी शर्ट का डोर आते हुए कमरे का दरवाजा बंद कर देना, तो वो उसके एंड पे मैं एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं लगाऊंगा क्योंकि मैं उसको ऑर्डर नहीं दे सकता, इज्जत के खिलाफ है, अदब के खिलाफ, ठीक हो गया। सो आई होप के इसकी आपको समझ आ रही है। डेक्लरेटिव सिंपल, इंट्रोगेटिव या इंटेरोगेटिव जो है वो सवाल वाला जुमला। फिर आता है जी इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव को सर इम्पेरेटिव इतना क्लियर नहीं हुआ, मैं अभी आ रहा हूँ उस पे। इम्पेरेटिव कौन सा है जी जिसमें आप कमांड करते हैं, किसी को हुक्म देना, ठीक है। Bring some lays for me, I want to eat them, ठीक है। ये मैंने हुक्म दिया है, मेरे से छोटा बच्चा है या कोई मेरा मुलाजिम है, मैं उसको कह सकता हूँ जी ड्राइवर ब्रिंग द कार अराउंड एंड ओपन द डोर। अब ये क्या है, ये मैंने उसको हुक्म दिया है कि भाई गाड़ी जो है ना सीधी करके हॉल के सामने लाओ, मैंने बैठना है, ठीक हो गया। तो उसमें आप या तो उसको कमांड करते हैं या फिर रिक्वेस्ट करते हैं, कमांड या रिक्वेस्ट दोनों हो सकती है, एक की कमांड दूसरे की रिक्वेस्ट हो जाती है। एक वही जो है वन मैन्स टेररिस्ट इज अनदर मैन्स फ्रीडम फाइटर, तो एक की कमांड जो है वो दूसरा बंदा जब वो करेगा तो वो रिक्वेस्ट करेगा। अब मैं फॉर एग्जाम्पल मैं छोटा हूँ, मैं अगर अपनी बड़ी बहन को कहता हूँ कि जी ब्रिंग वाटर फॉर मी, तो मैं ये नहीं कहूँगा ब्रिंग वाटर फॉर मी, आई विल आस्क के भी प्लीज ब्रिंग सम वाटर फॉर मी, ठीक है, मेरी वो रिक्वेस्ट है। जब वो मुझे कहेगी कि भाई चलो जाके पानी लेके आओ, मैं टीवी देख रही हूँ, तो वो उसकी कमांड है, ठीक हो गया, क्लियर है। और अगर ये देखें उसके अंदर आगे लिखा भी हुआ है कि अगर वो स्ट्रॉन्ग कमांड है, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी वाली, फिर उसके एंड पे आप एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं, इट मे एंड विद अ एक्सक्लेमेशन मार्क, बी ऑफ, चले जाओ यहाँ से, आई से गेट लॉस्ट, मैंने कहा निकल जाओ यहाँ से, ठीक है। तो इस तरह के जुमले हमें उसमें ड्रामों में तो देखने को मिलते हैं, तो उनको अगर आपने इंग्लिश में लिखना हो, आपको कोई फ्रीलांसिंग का काम मिला हुआ है उसको ट्रांसलेट करने का, तो फिर आप स्ट्रॉन्ग कमांड्स के लिए, स्ट्रॉन्ग कमांड्स जिनमें आप अपनी जो है ना सुपीरियर पोजिशन को जाहिर करते हैं या फिर अपना गुस्सा वगैरह दिखाते हैं, उसके लिए आप एंड पे एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं।
हो गया। आगे आते हैं जी के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से होते हैं जी जिनमें आप इमोशन या फिर एक्साइटमेंट जाहिर करते हैं, ठीक है। वाह, व्हाट अ लवली सीनरी आई सॉ इन आजाद कश्मीर, पिछले साल गया हुआ था, ठीक है। तो ये मेरा एक्सक्लेमेशन है कि भाई when I saw the human faced rock on the way to Kale, I was just overcome with awe, ठीक है। So I said, wow, what a beautiful natural forming, what a beautiful natural rock formation, ठीक है। तो इसके अंदर जो मैंने स्टार्ट में अपना एक्सप्रेस किया wow, ठीक है, अब वाव जो है वो प्रॉपर आपका वर्ड नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है, वो आपके एक्सप्रेशन को जाहिर करने के लिए उन्होंने डिक्शनरी में डाल दिया है कि वाव, या फिर एह के जी किसी बंदे को देख के आ गए थे, एह ये कहाँ से आ गया, ठीक है। तो ये आपके एक्सक्लेमेशन हैं या आपके इमोशंस हैं, उनको एक्सप्लेन करने के लिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस यूज होते हैं। एग्जाम्पल है हाउ हॉट द एयर इज, कि आप इसमें जो है आपने डायरेक्टली इमोशन जो है पूरा वो नहीं किया कि उफ ये नहीं कहा आपने, लेकिन आपने कहा जी हाउ हॉट द एयर इज, इससे जाहिर हो गया भाई कि आपको बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है और कह रहे हैं हवा तो बहुत गर्म है आज, ठीक हो गया, क्लियर है। सडन फीलिंग्स एक्सक्लेमेशन जी, डिक्लेरेटिव इज अ स्टेटमेंट, बिल्कुल ठीक है। चले जी, एक्सक्लेमेटरी हो गया, इसमें इमोशन और एक्साइटमेंट को हम जाहिर करते हैं। उसके बाद है जी ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव कहते हैं दुआएं देने वाले, दुआ देने के लिए। ऑप्टेटिव इज आल्सो अ टाइप ऑफ सेंटेंस जिसमें विश या डिजायर को जाहिर करते हैं, डिजायर यानी ख्वाहिश, ठीक है, विश और डिजायर। जिस जुमले के अंदर विश या डिजायर हो, मैं विश करता हूँ मे यू ऑल पास द एग्जाम, तो ये मेरा एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है। मैं डिजायर करता हूँ, आई लॉन्ग फॉर क्या उसको कहते हैं, कौन सी चॉकलेट है यार, फेरेरो रॉचर्स, ठीक है। तो आई लॉन्ग फॉर द साइट ऑफ फेरेरो रॉचर्स, मुझे बस नजर ही आ जाए फेरेरो रॉचर्स, इतनी मजे की है। सो ये मेरी एक ख्वाहिश है, दुआएं या फिर ख्वाहिश जो है जिसको जाहिर करते हैं, बद्दुआ भी देते हैं आई थिंक, बद्दुआ खैर रूड हो जाएगा, लेकिन बद्दुआ नॉर्मली हम देते नहीं है किसी को, ना मैं देता हूँ ना इंग्लिश वाले देते हैं दूसरों को। बेहतर है कि आप जरा चीजों को सिंपल रखें, बेहतर है। फर्स्ट द मोस्ट पॉपुलस कंट्री जो है वो इंडिया बन चुके हैं, उसके बाद चाइना है, फिर जो है वो यूएस है जिसकी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 340 मिलियन है, और उसके बाद है इंडोनेशिया जो एक मुस्लिम कंट्री है, और उसके बाद हमारा नंबर आता है पॉपुलेशन में, 240 मिलियन हमारी पॉपुलेशन है, ओवरऑल हमारा जो रैंक है वो फिफ्थ है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो पूछ रहा है कि जो 100 ईयर वार लड़ी गई थी वो किन मुल्कों के दरमियान में लड़ी गई थी। बेसिकली अब ये लड़ी तो इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान गई थी, ये आपने याद रखना है। यहाँ पर एक समझने वाली चीज़ ये है कि वो वेस्ट जो हमें इस बात पे ब्लेम करता है, हमें ह्यूमन राइट्स के लेक्चर देता है, हमें डेमोक्रेसी के लेक्चर देता है, अगर आपकी उनकी खुद की हिस्ट्री पढ़ें तो उनकी खुद की हिस्ट्री बड़ी डार्क रही है। वहाँ पर जो है वो 100-100 साल तक जंगें चलती रही हैं, सक्सेशन के हवाले से, पावर के हवाले से, पावर पॉलिटिक्स होती रही है, एक दूसरे को मारते रहे हैं, इतना मतलब लोगों लोग कत्ल हुए हैं, जो उनके बादशाह होते थे वो कत्ल हुए हैं। ये इन चीज़ों से गुजर के 100-100 सालों की इनकी हिस्ट्री है, वहाँ से गुजर के अब जाके ये कुछ सिविलाइज और महजब हुए हैं, और अब जो है वो बाकी जो कंट्रीज हैं जैसे पाकिस्तान है या इंडिया है, जिनको अभी जो है वो 100 साल ही कंप्लीट आज़ाद हुए ही नहीं हुए कॉलोनियलिज्म से, जो अभी अंडर कॉलोनियल लेगेसी हैं स्टिल, उनको लेक्चर देते हैं कि आप जो है ये करें वो करें फलां करें और हमसे कुछ सीखें। और देखा जाए तो वही एक एग्जांपल ये है कि इनकी अगर प्रिसाइजली कहा जाए तो 116 साल ये जो है वार चली थी, 116 ईयर वार है, लेकिन जनरली इसे 100 ईयर वार कहते हैं, जो इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान लड़ी गई थी 14th से 15th सेंचुरी में। इंग्लैंड और फ्रांस, आपको पता है इंग्लैंड ने तो ऑलमोस्ट कोई भी कंट्री जो है वो दुनिया का नहीं छोड़ा जहां पर उसने कब्जा ना किया हो अपनी इंपीरियलिज्म से, और जहां पर उन्होंने अपनी कॉलोनियलिस्ट गवर्नमेंट ना कायम किया। तो इस तरीके से फ्रांस भी उस टाइम पावर होता था, पावरफुल होता था, तो इन दोनों की आपस में जंग होती थी, तो ये हमेशा
जो है वो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए और दूसरे मुल्कों पे कब्जा करने के लिए, अपनी हेजेमनी कायम करने के लिए जो है वो जंग में रहते थे। तो इसी दौरान इन्हीं सिलसिले में इनकी एक जंग हुई थी जिसे 100 ईयर वार्स कहते हैं, इंग्लैंड और फ्रांस की। नेक्स्ट है कि सेकंड मोस्ट ब्यूटीफुल कैपिटल कौन सा है वर्ल्ड का। अच्छा, ये कुछ एक दो साल पहले एक रैंकिंग हुई थी किसी इंटरनेशनल टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, तो उसने जो है वो इस्लामाबाद को उसकी खूबसूरती, उसकी ग्रीनरी और सफाई की वजह से जो है वो उस लिस्ट में सेकंड नंबर पर जो है वो क्या कहते हैं सेकंड मोस्ट ब्यूटीफुल कैपिटल वर्ल्ड में कहा था। और उस लिस्ट में जो फर्स्ट नंबर पे था वो लंदन था। लंदन को पता है वैसे भी, अगर कोई दरिया के किनारे कोई मुल्क हो या शहर हो तो उसके साथ अगर और उस पर उन्होंने काम किया हो, उसकी अर्बनाइजेशन प्रॉपर हो, उसकी कंस्ट्रक्शन वहां पर सब कुछ हो, तो जो है क्या कहते हैं वो वैसे ही ब्यूटीफुल हो जाता है। फिर लंदन तो वैसे भी डेवलप्ड कंट्रीज में आता है वो, लंदन का हमें पता है, ये क्वेश्चन भी आता है कि कौन से रिवर के नजदीक जो है क्या कहते हैं लंदन मौजूद है। अक्सर को जो लोग लंदन जाते हैं आप उनकी तस्वीरें देखते हैं, एक फेमस ब्रिज होता है जो वो जो है ना वो वहां पर जाके पिक्चर बनवाते हैं, तो वो जो ब्रिज जिस रिवर के ऊपर होता है वो रिवर थेम्स होता है। तो लंदन जो सिटी है, लंदन जो उनका यूके का कैपिटल भी है, इंग्लैंड का सॉरी, तो वो जो है क्या कहते हैं फर्स्ट था उस लिस्ट में। और इस्लामाबाद जो है सिटी ऑफ इस्लाम जिसे हम कहते हैं, उसको सेकेंड जो है वो रैंक मिला था। नेक्स्ट है कि ऑस्ट्रेलिया ने कॉमनवेल्थ जो गेम्स होती हैं वो कितनी बार होस्ट की हैं। असल में आप ये समझ लें पहले कॉमनवेल्थ गेम्स होती क्या है। कॉमनवेल्थ बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक एसोसिएशन है उन कंट्रीज का जो अभी रह रहे हैं या किसी जमाने हिस्ट्री में जो है वो अंडर ब्रिटिश रूल रहे हैं, अंडर कॉलोनियलिज्म रहे हैं, उन तमाम मुल्कों की जो एसोसिएशन है उसे हम कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस भी कहते हैं या सिंपली कॉमनवेल्थ भी कहते हैं। अब वो जो टोटल 56 मेंबर्स हैं उनकी जो गेम्स आपस में होती हैं, सिर्फ कॉमनवेल्थ वाले हिस्सा लेते हैं बाकी नहीं लेते, उनकी जो गेम्स होती हैं उनको हम कॉमनवेल्थ गेम्स कहते हैं। ये बेसिकली जो है वो पहली बार हुई थी 1930 में, ठीक है, और उस 1930 से अब तक जो है ये होती आ रही है। इसे हम जो है कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले ब्रिटिश एम्पायर गेम्स ही कहते हैं, ब्रिटिश ही क्योंकि ये ब्रिटिशर्स ही थे जिन्होंने जो है वो क्या कहते हैं ऑलमोस्ट दुनिया के हर कंट्री पर जो है वो कब्जा किया था। तो ये जो अब गेम्स होती हैं इनके अंडर, उसको हम पहले ब्रिटिश एम्पायर गेम्स कहते थे या अब जो है वो कॉमनवेल्थ गेम्स कहते हैं। ये वो उनकी हैं उन कंट्रीज की जिनके बारे में आपको बताया, जो अभी भी मौजूद स्टिल भी हैं या किसी जमाने में जो है क्या कहते हैं रहे हैं अंडर ब्रिटिशर रूल। अब ये 1930 से स्टार्ट हुई थी और 1942 और 1946 के एक्सेप्शन के अलावा हर 4 साल बाद जैसे होती रहती हैं। 1930 से स्टार्ट हुई हैं और हर 4 साल बाद जैसे होती रहती हैं। इसके अलावा जैसे हमें पता है ओलंपिक गेम्स हैं वो भी 4 साल बाद होती हैं, लेकिन उनको जो है क्या कहते हैं अब उन्होंने बाइफरकेट कर दिया है, डिवाइड कर दिया है समर ओलंपिक्स में और विंटर ओलंपिक्स में, जो है 2 साल बाद समर होती है, उसके बाद फिर विंटर होती है, फिर समर, फिर विंटर, इस तरीके से। वैसे जनरली शुरू से वो जब स्टार्ट हुई थी ओलंपिक गेम तब वो भी 4 साल बाद होती थी जैसे अभी ये होती हैं कॉमनवेल्थ गेम, लेकिन अभी जो रिसेंटली है वो जो ओलंपिक गेम्स हैं वो समर और विंटर ओलंपिक्स में डिवाइड हो चुकी हैं। अब वो बेसिकली पूछ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ने कॉमनवेल्थ गेम जो है वो कितनी बार होस्ट किए हैं। तो ये जो है टोटल ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक 5 दफा जो है वो होस्ट कंट्री रहा है कॉमनवेल्थ गेम्स का, और जो लास्ट टाइम जो है वो 2018 में ऑस्ट्रेलिया में जो है वो कॉमनवेल्थ गेम्स हुई थी। अब 4 साल बाद होती हैं तो 2022 में भी हुई होंगी, तो हो सकता है अभी उसने ऑस्ट्रेलिया का पूछा था तो इंग्लैंड का भी पूछ सकता है कि 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुई थी वो कहाँ हुई थी, तो वो इंग्लैंड में हुई थी, और 2026 में अब नेक्स्ट होंगी वो अभी स्टिल डिसाइडेड नहीं है वो कहाँ होनी है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि कालिदास जो एक फेमस पोइट है वो कौन सी लैंग्वेज में जो है शायरी करता था। कालिदास बेसिकली जो है वो इंडिया का एक मशहूर शायर था और वो शायरी लिखता था जिस तरीके से हमने पढ़ा था पाकिस्तान में भी, ये तो अब जाके नेशन स्टेट का कंसेप्ट इवॉल्व हुआ है ना, 1945 से यूनाइटेड नेशन बनी है और जो है नेशन स्टेट बनी है। उससे पहले तो हमने कई बार डिस्कस किया है जब हमने पाक पाक पाक, पाक अफेयर पढ़ा था कि उससे पहले जो है वो एम्पायर होती थी, डायनेस्टीज होती थी, डिफरेंट किस्म के वो इंडिपेंडेंट स्टेट्स होते थी, तो इंडिया में भी इसी तरीके से रही थी। उन्हीं इंडिया की हिस्ट्री में, क्योंकि अब हमने इंडियन हिस्ट्री जो है वो कंप्लीट नहीं पढ़नी, तो उन्हीं इस हिस्ट्री में जैसे पाकिस्तान की हमने पढ़ी थी कि जो है वो शुरू 712 से मोहम्मद बिन कासिम आया, उसने एक रखी, उसके बाद जो डिफरेंट डायनेस्टी जिसमें स्लेव डायनेस्टी है, खिलजी डायनेस्टी है, उसके बाद जो एंड में हमने देखा था जो है क्या कहते हैं मुगलों की हुकूमत रही थी। तो इस तरीके से इंडिया में भी जो एम्पायर थी उसको एक उनमें से एक एम्पायर थी गुप्ता एम्पायर। ये बेसिकली जो कालिदास था वो उस गुप्ता एम्पायर में जो के दौरानिया में एक मशहूर इंडिया का जो शायर था और जो है वो प्ले प्ले राइट जो
खाके वगैरह होते हैं वो लिखता था। तो वो बेसिकली जो जुबान थी वो संस्कृत थी, संस्कृत में जो है वो कालिदास जो है वो शायरी लिखता था, और ये गुप्त एम्पायर का जो है वो एक प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है। अच्छा जी, फूड साइंसेज इज अ वेरी हॉट और फेवरेट टॉपिक ऑफ एग्जामिनर। उसमें क्या है, फूड साइंसेज से आपको पता चल रहा है कि जी इसमें जो भी सवाल पूछे जाएंगे वो रिलेटेड ओवर फूड होंगे, तो साइंस इज अ साइंस, तो फूड साइंसेज इसलिए है। और इसमें जो सबसे पहला सवाल आता है वो ये, आपने ये टेबल तैयार कर लेना, ये वाला। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि वुमन डूइंग हार्ड वर्क, उसके को कितनी एनर्जी चाहिए होगी, एक ये। मैन डूइंग हार्ड वर्क, उसको कितनी एनर्जी चाहिए होगी, दूसरा सवाल ये है। बात क्लियर है जी? जी सर, इसमें ये बिल्कुल आता है, ये बहुत ज्यादा मैंने देखे थे, इस टॉपिक से आते हैं सवाल। जी जी, ये मैंने आपको ना पूरा पीडीएफ के कोई पेजेस हैं ये, इंशाल्लाह इसको आप जब कवर कर लेंगे तो आपको ये सारे मसले, ये कार्बोहाइड्रेट्स, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, लैक्टोज, ग्लूकोज, स्टार्च, प्रोटीन्स, इसके जितने भी नॉमनक्लेचर्स हैं, प्रिजर्वेशन क्या है, फूड डिटेरियोरेट क्या है, एडल्ट, ये सारा मसले हल हो जाएंगे ये फाइल करने के बाद। ठीक है जी? जी सर। हाँ, ये आपके काम का नहीं है, बस जो काम की बात है वो आपने सिर्फ वो तैयार करी है। एमसीक्यू है कि जी जो औरत है वो काम करे तो उसको कितनी एनर्जी चाहिए। अब वो काम किस तरह की नौयत का हो सकता है डिपेंड करता है, यहाँ पे तो हमें यही बताया गया कि जी हार्ड वर्क करेगी, मतलब एक खतून है वो एक डिफेंस से बिलोंग करती है, उस बेचारी की क्या कैलोरीज बर्न करनी है, बर्न तो उनकी करनी है जिसने ईद वाले दिन बर्तन धोए हैं, फिर उसके बाद घर की सफाई की है, गोश्त की सफाई की है, पानी की सफाई की है, उसके इसकी बात की जा रही है। बैन डूइंग हार्ड वर्क, जो कसाई बने हैं बेचारे आदमी ईद पे, उसके लिए कितने एनर्जी रिक्वायर्ड है। ठीक है जी? जी सर बिल्कुल। अच्छा जी, ये आते हैं, अब ये आपके बेसिक्स होंगे, यहाँ से बात चलेगी, हम अब जितनी डिस्कशन करेंगे वो एक छोटे से एमसीक्यू उसने वो हमने कर लिया है। फूड साइंसेस की जो बात स्टार्ट होती है वो दैट स्टार्ट फ्रॉम हियर, वो जी ऐसे है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, एमसीक्यू आता है द मेन सोर्स ऑफ आवर एनर्जी आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स। तो आपके पास जो सारे एनर्जी की फॉर्म है, लेकिन हमें जो एनर्जी चाहिए होती है फॉर इंस्टेंट पर्पज, वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप्स क्या है, वो काम क्या करते हैं, वो बेसिक वो आगे हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे। बेसिक फूड साइंसेज के जो कॉम्पोनेंट्स हैं विच वी शुड नो अबाउट द फूड साइंसेज, विच दोज आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर एंड फाइबरी डाइट, डाइटरी फाइबर। ये आखिरी दो इंपॉर्टेंट नहीं है। एक सवाल आया था, ये लिखें जरा, मेरे दिन में भी क्लिक किया, मुझे इसका एग्जैक्ट नहीं पता, हमारे ब्लड में वाटर की कॉन्स्टिट्यूशन कितनी है, कितना कॉन्स्टिट्यूट पाया जाता है वाटर? 71%। नहीं नहीं हमारे ब्लड की बात कर रहा हूँ मैं, ये तो ह्यूमन बॉडी है ना, 67। ठीक है जी, ब्लड के कंपोनेंट्स आपने लिखने हैं कि ब्लड में क्या है, इसमें रेड ब्लड सेल्स है, व्हाइट ब्लड सेल्स है, उसका प्लाज्मा है, वो सारी चीजें। उसकी रीजन ये है कि जब से COVID-19 है ना, तो प्लाज्मा का रोल बड़ा बढ़ गया, तो एकदम सी कुछ उसने उठाए हैं यहाँ से, उसमें प्लाज्मा के फैक्टर की वजह से। तो ये आपने देखना है कि ब्लड की कंपोनेंट, ब्लड की कंपोजिशन क्या है, ये प्लीज आप ना अलग से नोट कर लें, इसमें नहीं है ये, क्योंकि जो भी आप डाइट लेंगे बेसिकली वो आपके ब्लड और ये सारा विटामिन कार्बोहाइड्रेट इसके रिवॉल्व करते हैं, तो ये सवाल जनरेट करता है। बाकी वो आपको पता चल जाएगा, जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसकी लाइफ टाइम क्या है, व्हाइट ब्लड सेल्स की लाइफ टाइम क्या है, ये भी नोट कर लें। सर, ब्लड में जो 55% होता है ना प्लाज्मा, तो वो ही कंटेन करता है वाटर को। हाँ हाँ बिल्कुल यही है, आपने बाकी चीजें भी इसके लिए इसके कंपोनेंट्स देख लेने हैं ब्लड के। अच्छा जी, आगे आ जाएं, कैलोरी क्या है, आपको पता होना चाहिए कैलोरी एक यूनिट है एनर्जी का, सिंपल, इसमें कोई ऐसा ट्रिक नहीं है, ये इधर मैंने दिया हुआ है। आगे चले जी। जी सर। अच्छा, एक सवाल आता है, व्हाट आर बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स आर नथिंग एक्सेप्ट, वो जो हमने पहले पढ़ लिया, बायोमोलिक्यूल्स आर मॉलिक्यूल्स दैट ऑकर नेचुरली इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायोमोलिक्यूल्स क्या हैं, जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनको बेहतर ये पता है, वो इस तरह के एमसीक्यूज को अच्छी तरह टैकल कर लेंगे।
एमसीक्यूज आता है कि बायोमोलिक्यूल्स क्या हैं, ये एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं और इनकी टाइप्स क्या है, ये नीचे टाइप्स दी गई हैं जो कि हमने ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर ली हुई हैं। कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, प्रोटीन्स होंगे, लिपिड्स होंगे, न्यूक्लिक एसिड्स होंगे, ये हैं जी बायोमोलिक्यूल्स। बेसिकली हमारी जो फूड साइंस है वहीं से मिलकर बनती है। जी सर, मैंने एक सवाल देखा था, उसमें चार फूड्स के नेम दिए हुए थे ऑप्शन में और उन्होंने पूछा था कि इसमें प्रोटीन सबसे ज्यादा किस में है। यस, वो आगे हम जब प्रोटीन आएंगे तो उसमें पढ़ेंगे वो प्रोटीन किस बेसिस पे है। मिसाल के तौर पे अब एग में भी प्रोटीन है, मीट में भी प्रोटीन है, फिश में भी प्रोटीन है, अब बॉयल उसमें भी प्रोटीन है, मुर्गी में भी। अब सबसे ज्यादा जो वैसे कहा जाता है वो मीट है, बीफ में प्रोटीन बहुत ज्यादा होती है। या वो यूं हो सकता है कि एग और बाकी अब मिल्क मिला लें या कोई दो तीन फ्रूट्स दे दें तो फिर उसकी ऑप्शन एग आएगी। समझ आई है आपको बात की? जी सर। आपका प्रोटीन है जबकि वो मिल्क है उसमें प्रोटीन है लेकिन बहुत कम, उसके बाद आपका फ्रूट्स हैं वो विटामिन होते हैं उसमें, तो एग आता है, इस तरह के आते हैं ये। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हुई थी इसमें थोड़ी सी टेक्निकलिटीज है, ये आपको थोड़ा गौर से समझना है क्योंकि इसमें मसले मसाइल ये हैं कि कोई जो है वो कांग्रेस ने अटेंड की है, कोई जो है वो कांग्रेस अटेंड नहीं की, तो वो अक्सर एमसीक्यू पूछ लेता है कि फर्स्ट जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो किसने अटेंड की थी, सेकंड जो है वो किसने अटेंड नहीं की थी, या कौन है जिसने सारी अटेंड की थी। तो ये आपने थोड़ा सा गौर से समझना है। तो जी जी सर, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मुझे समझ में नहीं आती, ये इसका बेसिकली मकसद क्या था बनाने का? बेसिकली अब क्योंकि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक क्रिएट हुआ हुआ है, हिंदू और मुसलमान आपस में एक दूसरे की बात नहीं मान रहे, ब्रिटिशर्स को कह रहे हैं कि हमें आज़ादी चाहिए, तो ये ब्रिटिशर्स ने बुलवाई थी, जो ब्रिटिश की गवर्नमेंट थी ना उन्होंने बुलवाई थी कि हमारे पास आओ, यहाँ पर बैठो, वहाँ पर गोल मेज थी, उसके इर्द गिर्द आके ये सारे बैठे जो मुसलमानों के और जो इंडियंस के पोलिटिकल लीडर थे वो आकर बैठे ताकि आओ हमारे से बात करो, हमें अपना बारे में बताओ कि तुम क्या चाहते हो और हम तुम्हें बताएंगे कि हम क्या चाहते हैं। तो फिर वो जो बातें हुई थी, जो कॉन्फ्रेंसेज हुई थी, उसको हम कहते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज। ये लगातार 3 साल हुई थी, फर्स्ट जो है वो 1930 में हुई थी, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज जो है वो 1931 में हुई थी, और जो थर्ड है वो 1932 में हुई थी। बेसिकली जो एनुअल मीटिंग्स हुई थी ना ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ मुस्लिम लीडर्स की और जो हिंदू लीडर्स हैं उनकी, उसको हम कहते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस। ये ब्रिटिशर्स ने बुलवाई थी, इनको लंदन बुलवाया था, जो मुसलमानों के और हिंदुओं के लीडर थे उनको बुलाया था कि आके तुम बताओ कि तुम्हारी क्या राय है, फिर हम बताते हैं हमारी क्या राय है। अब समझ आई आपको? जी सर, क्लियर है। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने बुलवाया था मुस्लिम लीडर्स को और इंडियन लीडर्स को, मतलब जो भी लीडर्स थे सब कॉन्टिनेंट के जो चाह रहे थे कि हमें आजादी चाहिए, उनको अपने पास बुलाया, उनको बिठाया, उनकी खातिर तवाज़ो की, उनकी बातें सुनी, खैर बातें जो है वो पसंद नहीं आई, फिर इसका कोई नतीजा निकला। अब हम देखते हैं असल में हुआ क्या था। अच्छा, अब जो है वो 1930 में जो है वो गांधी ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट की हुई है। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट क्यों स्टार्ट की हुई है? वो कहता है कि हमें जो है वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस दी जाए, हमें आज़ादी दी जाए, ये तो शुरू से गांधी कह रहा है। ठीक है, अब ये इस सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की वजह से उनको पकड़ के जो गांधी को है वो क्या कर दिया, जेल में डाल दिया। अब जेल में जो डाल दिया 1930 में, तो अब जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस है तो जाहिर बात है अब जब गांधी जेल में है तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस तो वो अटेंड कर सकेगा नहीं। तो हमें यहाँ से पता चल गया जो कांग्रेस थी, अब जब गांधी नहीं जाएगा तो कांग्रेस के बाकी लीडर भी नहीं जाएंगे क्योंकि जो गांधी है वो उनका मेन लीडर था। तो इस यहाँ से हमें पता चल गया जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसमें इंडियन जो हिंदू हैं वो तो बिल्कुल शामिल है ही नहीं। तो ये बात हमें क्लियर हो गई कि गांधी ने यहाँ पर पीछे चलाई हुई थी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1930 में, और हमें पता है 1930 में ही जो है वो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है। उस सिविल डिसओबीडियंस की मूवमेंट की वजह से जो अंग्रेज थे उन्होंने पकड़ के गांधी को डाल दिया जेल में, और इस जेल की वजह से गांधी जो है वो क्या कर गांधी के जो बाकी दोस्त थे कांग्रेस के वो भी जो है उन्होंने भी बायकॉट कर दिया फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई? वो हुई है 1930 में। अब हमने देखा कि एक और क्वेश्चन आता है अक्सर, गांधी इरविन पैक्ट क्या था, गांधी इरविन पैक्ट क्या था? अब जो है जो गांधी को जेल से निकाला, अब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो गई है उसमें जो है वो गांधी नहीं है, कांग्रेस नहीं है, तो फिर जो ब्रिटिशर लीडर थे उन्होंने कहा यार ये हमने बुलवा तो लिया है जो
फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, लेकिन इसमें एक बड़ी जमात है कांग्रेस, और वो उसका जो बड़ा लीडर है गांधी वो तो जेल में है। अब इसका कोई फायदा तो नहीं है, जो एक बड़ी सारी जमात है वो तो आएगी नहीं फिर। अब यहाँ पर हम बातें कर लें, कुछ डिसाइड कर भी लें, कुछ फैसला निकल भी आए, तो वो तो कल को आके नहीं मानेगा। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा चलो अब हम उससे करते हैं बात, जो गांधी है उसको बुलाते हैं, उसको उससे बात करते हैं, उसकी जो दो चार शरायत है वो मान लेते हैं, ताकि क्या हो ये जब बातें मान लेंगे इसकी वजह से वो क्या होगा, वो नेक्स्ट जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है जो सेकंड है वो जो है वो अटेंड करेगा। फिर अब जो बातें मनवाई गई, अब इस टाइम जो लॉर्ड है इसमें वायसराय है इंडिया में, वो लॉर्ड इरविन है उसका नाम। अब ये कौन बुलाएगा, जाहिर है ये सबसे बड़ी पॉलिटिकल अथॉरिटी है वहां पर। अब वो गांधी को बुलवा के अपने साथ करेगा बातें। अब जो हुई बातें उसको नाम दिया गया गांधी इरविन पैक्ट का। अब ये भी अक्सर पूछा जाता है कि गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था, तो 1931 में, ये आपको जहन में रहेगा क्योंकि इससे पहले जो है 1930 में गांधी ने चलाई हुई है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसी वजह से वो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो अटेंड नहीं कर सका। अब जब ब्रिटिशर ने देखा, उनको जरूरत महसूस हुई कि गांधी तो अटेंड नहीं कर रहा, अब हम उसको बुलाते हैं, उससे कुछ बात करते हैं, मामला सुलझाते हैं, तो वो जो बातें हुई, वो जो मामला उनका आपस में सुलझा, उसको उन्होंने नाम दिया गांधी इरविन पैक्ट का। उन्होंने क्या कहा उसमें, सबसे पहले उन्होंने गांधी को रिलीज कर दिया, जेल से निकाला अनकंडीशनली, मतलब उसमें कोई कंडीशन नहीं लगाई। जो गांधी इरविन उसकी जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट थी उसके जो कुछ पॉइंट्स थे वो उन्होंने मान लिए, और जो उनके बंदे पकड़े हुए थे उसको भी कुछ छोड़ दिया। गांधी ने जो है वो क्या कहते हैं, एक अपनी जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चलाई हुई थी उसके नतीजे में उन्होंने गांधी को भी जेल में डाला और बाकी भी डाला, उनके दो चार पॉइंट्स मान लिए, गांधी को अनकंडीशनली रिलीज कर दिया। वो इसके नतीजे में अब जो है वो गांधी जो है अब आजाद हो गया है। अब इन्होंने फिर वो दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे उसको कि भाई अगले साल फिर जो है हमारी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होनी है, 30 के वहां पर 1930 के एंड में हुई है, अब जो नेक्स्ट है वो सेकंड है वो 1931 के एंड में होगी, जो थर्ड है वो 1932 के एंड में होगी। अब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही है, उस वक्त जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है वो हमारे पास रामसे मैकडोनल्ड है, मैकडोनल्ड के नाम से इसको याद कर लें, आर मैकडोनल्ड है, रामसे मैकडोनल्ड है, ये वैसे क्वेश्चन नहीं आता। उसके बाद है हमारे पास, जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हो गई उसके नतीजे में भी कोई खास जो है वो कोई नतीजा निकला, कांग्रेस ने अटेंड कर ली, गांधी ने भी अटेंड कर ली, लेकिन वहां पर जो एक मेजर डेवलपमेंट हुई वो है कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड के बारे में अक्सर एमसीक्यूज आता है, पहले तो पूछते हैं ये दिया कब गया था, वो हमें पता है 1932 में। अब हम कैसे याद करेंगे हुआ क्या था कम्युनल अवार्ड में, कम्युनल अवार्ड कम्युनिटी, ये देखो आपको नाम से जाहिर हो रहा है कम्युनल अवार्ड, मतलब जो डिफरेंट कम्युनिटीज हैं इंडिया में सिर्फ एक मुसलमान या हिंदू कम्युनिटीज तो नहीं है, हिंदू तो है वो बेसिकली खुद अंदर जो है वो कई जमातों में डिवाइड थे, उनकी जो है वो चार से पांच इंडिया, तो बिल्कुल इंडिया का तो कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा वसी है, मतलब उसमें शूदर हैं, उसमें ब्राह्मण हैं, उसमें विष्णु हैं, उसमें क्षत्रिय हैं, तो इंडियन जो कास्ट सिस्टम है वो तो डीपली डिवाइडेड है। अब जो ये कम्युनल अवार्ड आया था, क्योंकि इनकी आपस में, यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया कि सेपरेट इलेक्टोरेट और ज्वाइंट इलेक्टोरेट का जो है वो मसला चल रहा है, अब यहाँ पर इस कम्युनल अवार्ड ने क्या किया, इसने तो खुद जो है वो वारे के न्यारे कर दिए। उसमें इन्होंने सिर्फ ये नहीं किया कि मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट का जो है वो हक दे दिया, जो इंडियंस की जो हिंदुओं की डिफरेंट कम्युनिटीज थी, जैसे मैंने अभी बताया उसमें विष्णु क्षत्रिय और शूदर जिसे अनटचेबल कहते हैं, जिसे जो सबसे जो है वो कमजोर तरीन या जो है वो कह लें बदतरीन जो वो है वो फिरका समझा जाता है या घटिया फिरका समझा जाता है हिंदुओं में, वो था अनटचेबल का, उसको भी सेपरेट इलेक्टोरेट का जो है वो क्या कह दिया मैकडोनल्ड ने जो है वो दे दिया कि भाई अब तुम जो है अपने जो अनटचेबल्स हैं वो भी अपने अनटचेबल जो है वो अलग से जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे और वो उनको वो जो है वो सिर्फ उनको वोट दे सकेंगे। अब ये तो मजीद मसला क्रिएट करेगा। आप सबको पता है कि जो है क्या कहते हैं जो गांधी है उसको तो मुसलमान ही नहीं हजम हो रहे, अब जब जो है वो जो हिंदुओं की जो बाकी जमाते हैं जिसमें बिल्कुल जो है वो कहते हैं अनटचेबल्स हैं, जो बिल्कुल कमतर समझते हैं, उनको भी अगर अलग से जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट का हक मिल जाएगा तो ये तो गांधी को बिल्कुल भी नहीं जो है वो बर्दाश्त होगा। अब इसके नतीजे में गांधी हड़ताल करेगा, भूख हड़ताल करेगा, वो है जो है वो रोजा रख लेगा, वो कहेगा कि जब तक मेरी बात नहीं मानी जाएगी तब तक मैं रोजा नहीं तोड़ूंगा, व्रत रखूंगा, और व्रत वो तब तक रखूंगा जब तक मेरी बात नहीं जाएंगी, भले मैं मरता हूं तो मर जाऊं। अब ये दिया मैकडोनल्ड ने, अब ये हमें समझ आ गई कि कम्युनल अवार्ड होता क्या है। बेसिकली दिया कब गया था, ये दिया गया था 1932 में। क्यों दिया गया था, क्योंकि जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो कांग्रेस ने भी अटेंड कर ली, मुस्लिम लीग ने अटेंड कर ली, लेकिन उसका फिर भी कोई नतीजा नहीं निकला।
जो उस वक्त ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था रामसे मैकडोनल्ड, जिसके बारे में भी हमने पढ़ा, उसने कहा भाई तुम्हारे से आपस में तो चीजें डिसाइड हो नहीं रही, अब जो है फिर मुझे कुछ करने दो। अब वो कुछ करेगा तो उसने क्या दे दिया, उसने कम्युनल अवार्ड दे दिया। उसने कहा, उसने जो है वो वारे के न्यारे कर दिए, उसने मुसलमानों को क्या हक देना था, जो इंडियंस की जो माइनॉरिटी कम्युनिटी थी उनको भी हक दे दिया। इस वजह से हम इसको कहते हैं कम्युनल अवार्ड। ये अनाउंस हुआ था अगस्त 16, 1932 में। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो नेक्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, वो कब हुई, वो 1932 के एंड में हुई, नवंबर से लेके दिसंबर तक। अब जो है वो कांग्रेस और लेबर पार्टी ने ये जो कम्युनल अवार्ड अनाउंस हुआ था, इसकी वजह से जो है दोबारा जो है वो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो अटेंड नहीं की। अब यहाँ पर आपने बात समझनी है, पहली जो है वो कांग्रेस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, वो कांग्रेस ने किस वजह से अटेंड नहीं की, क्योंकि गांधी की सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चल रही थी, गांधी था जेल में। अब उसने दूसरी अटेंड कर ली, लेकिन उनका कोई फैसला नहीं निकला, इसकी वजह से उनका जो ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर था, उन्होंने जो है वो कम्युनल अवार्ड अनाउंस कर दिया। उसने कहा तुम्हारे से तो खुद नहीं कोई फैसला होता, मैं ही अनाउंस कर देता हूँ। गांधी को फिर मसला पड़ गया। अब फिर जो मसला पड़ गया, उसने फिर जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अगले साल हुई, उसने वो भी अटेंड नहीं की। जो कांग्रेस है उसने थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं की। तो अब आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए, मुसलमानों की जमात थी मुस्लिम लीग, उन्होंने जो है वो तीनों की तीनों जो है क्या कहते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो अटेंड की थी। जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसमें जो है सर आगा खान लीड कर रहे थे, फिर उनकी डेथ हो गई थी, फिर 1932 में जो है वो क्या कहते हैं अलामा इकबाल थे या कायद आजम थे, उन्होंने जो है वो मुसलमानों को जो है रिप्रेजेंट किया था, लेकिन मुसलमानों ने जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो तीनों की तीनों अटेंड की थी। और जो कांग्रेस है, अब कोई भी एमसीक्यूज आए तो आपको समझ आ जाएगी कि जो फर्स्ट और थर्ड है वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ने अटेंड नहीं की थी। फर्स्ट क्यों नहीं की थी वो भी आपको पता लग गया, थर्ड क्यों नहीं की थी वो भी आपको पता लग गया। अब जब ये तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हो गई हर साल के एंड में, पहली हुई 1930 के एंड में, सेकेंड हुई 1931 के एंड में, और जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो 1932 के एंड में हुई। अब इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक पेपर जो है वो या अनाउंस किया। जी जी सर, दो का तो आपने बता दिया कि आगा खान ने लीड की थी 1930 वाली, और 31 वाली अलामा इकबाल या कायद आजम ने 1932 वाली कौन लीड कर रहा था। 1932 में भी जो है वो कायद आजम थे, कायद आजम तो 1937 कब डेथ हुई थी, 1938 में हुई थी ना, तो उस टाइम कायद आजम ही थे जो अलामा इकबाल हैं वो ही लीड कर रहे थे। तो जो मुसलमानों के मेजर लीडर थे उनमें अलामा इकबाल का नाम जो है वो प्रोमिनेंट है। ठीक है, सही हो। अच्छा, ये समझ आ गई आप लोगों को फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई क्यों गई थी, उसमें हुआ क्या था, किस किस ने अटेंड की थी, कम्युनल अवार्ड होता है वो क्या होता है। ठीक है, अब जब ये आपको पता चल गया कि गांधी के पेट में पड़ गए मरोड़ किस वजह से, कम्युनल अवार्ड की वजह से, अब जब इसका भी कोई हल निकालना है, गांधी को जो है वो बर्दाश्त तो नहीं है ये बात। खैर, वो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ प्रपोजल दिए, वो उन्होंने एक पेपर पे जो है वो अनाउंस किए, उस पेपर को हम कहते हैं व्हाइट पेपर। व्हाइट पेपर बेसिकली इसलिए कहते हैं कि हर गवर्नमेंट का ना कुछ एक स्पेसिफिक कलर के पेपर्स होते हैं, जैसे कुछ गवर्नमेंट हैं उनके ब्लू होते हैं, हमारा जो है वो ग्रीन, किसी का ग्रीन पेपर होता है, ये ऑफिशियल उनके पेपर होते हैं जिसपे वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट करते हैं। तो जो ब्रिटिशर ने अनाउंस किया था उस वक्त उसको हम व्हाइट पेपर भी कहते हैं। उन्होंने तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद एक व्हाइट पेपर अनाउंस किया, उसमें उन्होंने प्रपोजल लिख दिया कि जो नया कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का बनेगा उसमें क्या क्या बातें होंगी। अब वो बातें क्या क्या होंगी, जो प्रपोजल था जिस पेपर पे उन्होंने अनाउंस किया, उस पेपर को उन्होंने जो स्टेट की तरफ से अनाउंस किया गया उसको व्हाइट पेपर का नाम दिया। अब उसके बाद एक नेक्स्ट चीज है पूना पैक्ट। अब कम्युनल अवार्ड की वजह से आपको पता है गांधी के पेट में मरोड़ पड़े हुए हैं, तो फिर एक अनटचेबल जो है वो जो शूदर थे उनका एक लीडर था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अब ये नाम याद रख लें, ये अगर कोई पीएमएस या सीएसएस का स्टूडेंट है उसको तो पता होगा, ये भी अक्सर आता है कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें, बल्कि ये एक बार वैसे पीपीएससी में भी एमसीक्यूज आया हुआ है, उसमें सबसे ज्यादा हाथ किसका था, फेमस जो है वो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कौन था, तो बी आर अम्बेडकर था। बेसिकली ये एक अनटचेबल था, ये शूदर था, सबसे जो उनकी जो जलील तरीन जमात है या जिसको वो बिल्कुल घटिया समझते हैं इंडियन, उनका लीडर था, ये भी जो है वो शूदर था, अनटचेबल था। अब उसके दरमियान ये उनको लीड कर रहा था और गांधी के दरमियान जो आपस में बातें हुई, उन्होंने कहा भाई अगर उसको तो पता था जो बी आर अम्बेडकर था कि ये गांधी को किसी सूरत में भी कम्युनल अवार्ड जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगा, तो उसने कहा अच्छा चलो कुछ दो चार बातें जो है वो मैं मनवा लेता हूँ इससे। उनकी आपस में गांधी के साथ कुछ मामला तय हुए और उसने जो कम्युनल अवार्ड जो है उसको जो है वो उसका खात्मा कर दिया। तो अब वो जो उनके दरमियान पूना के मुकाम पे जो बातें हुई थी, जो पैक्ट हुआ,
जो मुआहदा हुआ, जो कम्युनल अवार्ड की सूरत में सेपरेट इलेक्टोरेट मिला था अनटचेबल्स को भी, उसने उन्होंने वहां से जो है वो विड्रा कर लिया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, और उस पैक्ट को हमने नाम दिया पूना पैक्ट का। पूना पैक्ट किसका रिजल्ट किसकी वजह से हो रहा है? कम्युनल अवार्ड की वजह से। कम्युनल अवार्ड किसने दिया? राम से मैकडोनल्ड ने। क्यों दिया? कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो भी फेल हो गई थी, क्योंकि उनमें कोई उसका कोई नतीजा नहीं निकला। ये यहाँ तक बात हो गई, आपको समझ आ गई? यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है। और इससे खैर एक और क्वेश्चन ये एंड में मैंने लिखा हुआ है, ये एमसीक्यूज भी अक्सर आता है, पीपीएससी में तो आता है, कि वो कौन सी औरत थी जिसने तमाम की तमाम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो अटेंड की थी? तो वो है, उनका नाम था बेगम जहानरा शाहनवाज। ये एमसीक्यूज भी अक्सर आता रहता है, ये रिलेटेड है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। वेक्टर उसका जनाब, एक तो उसका मैग्नीट्यूड होता है और दूसरा उसकी डायरेक्शन होती है, ठीक है जी। मैग्नीट्यूड से क्या मुराद है कि कितनी क्वांटिटी उसकी बताई जाती है, लेकिन डायरेक्शन भी अगर उसके साथ, अब अगर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड आपको पता है तो आपने ये जनरल साइंस में भी पढ़ा हुआ है कि उस क्वांटिटी को हम स्केलर कहते हैं, लेकिन अगर उसके साथ उसकी डायरेक्शन ऐड हो जाए तो वो आपका वेक्टर बन जाता है। अब डायरेक्शन जो है वो तीन टाइप्स की होती है, ठीक है, तीन टाइप्स की। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसके ऊपर होती है एक्स डायरेक्शन, जिसको आप यूनिट वेक्टर आई से रिप्रेजेंट करते हैं। जो वर्टिकली अपवर्ड होती है वो वाई डायरेक्शन होती है, ठीक है, जिसको आप जे यूनिट वेक्टर कहते हैं। नॉर्मली ये दो हम कहते हैं, एक पीस ऑफ पेपर है या कोई भी प्लेन है ना, उसकी हम दो डायरेक्शंस लेते हैं, एक्स और वाई नॉर्मली, ठीक है। और तीसरी डायरेक्शन होती है वर्टिकली अबव द पेपर। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, ये देखिए कि ये एक दीवार है, ये एक दीवार है, इसकी सिर्फ दो डायरेक्शंस हैं। ये फर्ज कर लें कि इसकी कोई भी थिकनेस नहीं है, दिस इज जस्ट लाइक अ पीस ऑफ पेपर, तो इसकी सिर्फ दो डायरेक्शन में है और ये एक प्लेन बना रहा है, एक एक्स डायरेक्शन में इसकी और एक वाई डायरेक्शन है, ठीक है। इधर भी वाई है और ये भी एक्स है, ठीक हो गया। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैंने जनाब कमरा बनाना है इससे, तो मैं इसको वर्टिकली इस साइड पे खींचूंगा, ठीक है, इसी साइड पे, चाहे मैं इसको ऊपर ले जाऊं चाहे मैं इसको इधर ले जाऊं, वो स्टिल जो है एक पीस ऑफ पेपर ही रहेगा। लेकिन अगर मैं उसमें तीसरी डायरेक्शन ऐड कर देता हूं तो वो वॉल्यूम उसका बन जाएगा, वो थर्ड डायमेंशन होती है। तो ये जो थर्ड डायमेंशन हमारे पास होती है, इसको हम जी डायमेंशन कहते हैं, जिसको हम के यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो कोई भी वेक्टर है ना, फॉर एग्जाम्पल वेक्टर ए है, तो उसको हम जनरली ऐसे लिखते हैं, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के। ये जो यूनिट वेक्टर है इनका मैग्नीट्यूड होता है वन, इनका सिर्फ काम क्या है कि ये हमें डायरेक्शन बता रहे हैं, ठीक है। ये जो ए एक्स ए वाई और ए जी है, ये उसका मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड अलोंग एक्स, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड अलोंग वाई, ये मैग्नीट्यूड अलोंग जी, और ये साथ साथ यूनिट वेक्टर लगाए हुए हैं कि भाई ये वाला जो मैग्नीट्यूड है ये एक्स डायरेक्शन में इसको लेके जा रहा है, एक्स डायरेक्शन में इस वेक्टर की क्वांटिटी कितनी है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, और डायरेक्शन ऑब्वियसली आई लगाया हुआ तो एक्स है, ठीक है। सिमिलरली जे और के है, ठीक हो गया। इस तरह से हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब वेक्टर्स में दो तरह के प्रोडक्ट्स आते हैं, एक अच्छा एक और चीज है, खैर वो जो प्रोजेक्शन वाला है वो मैं आपको उसी के अंदर ही करवा दूंगा, जो प्रोजेक्शन आती है ना उसमें, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में, उसमें तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स की तरफ चलते हैं, छोटा सा बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। एक होता है जी स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा होता है जी वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट या फिर इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं जी, ठीक है। क्या होता है कि जब दो वेक्टर हैं ए और बी, ठीक है, उनको आप डॉट के साथ मल्टीप्लाई करें वो स्केलर प्रोडक्ट आता है। इसकी निशानी क्या है कि इसमें आपको एंड रिजल्ट में सिर्फ और सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड मिलेगा, ठीक है, एंड पे आपको स्केलर मिलेगा। आपने मल्टीप्लाई तो दो वेक्टर्स को किया है, लेकिन आपको एंड रिजल्ट में उसके आउटकम में एक स्केलर मिलेगा। फॉर एग्जांपल 2x 2i प्लस 3j, ये यूनिट, ये मेरे पास फर्स्ट कर ले वेक्टर ए था, और 4i माइनस
5j जो है ये मेरे पास वेक्टर b था, मैंने अगर इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है मैं क्या करूंगा, i वाले कंपोनेंट को i के साथ मल्टीप्लाई करूंगा प्लस j वाले कंपोनेंट को j के साथ मल्टीप्लाई करूंगा प्लस k वाले कंपोनेंट को k के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है जी। तो 2 into 4 8, i into i जो है वो 1 होता है हमारे पास, अभी मैं आपको बाद में उसका भी बता देता हूँ, ठीक है। ये 8 आ गया पॉजिटिव है ओके, प्लस 3 into माइनस 5 तो ये माइनस 15 हो जाएगा। पहले हमने करना तो प्लस ही था लेकिन इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो वो माइनस 15 है, तो माइनस 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस हो जाएगा 8 माइनस 15, इसका आंसर मेरे पास माइनस 7 आ जाएगा, ठीक है जी, क्लियर है। आगे आता है हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट। जब आसलम का दौर था उस दौर में जो घोड़े थे और सिर्फ उन पर ज़कात नहीं लगाई जाती थी, लेकिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने देखा जब अब जो कई ऐसे लोग हैं जो बड़े मालदार हैं और उनके पास बहुत अच्छे अच्छे घोड़े हैं, तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, हुक्म दिया कि अब इन घोड़ों पर भी ज़कात लगाई जाए, कि ऐसे शख्स जिसके पास जो एक खास किस्म से खास नंबर से जो है वो ज्यादा घोड़े हैं तो वो भी क्या करेगा, ज़कात देगा। ये हजरत उमर के दौर में ये ज़कात लगाई गई, फिर हजरत अली के दौर में ये जो हॉर्सेस पे ज़कात थी वो लिफ्टेड मतलब हटा ली गई, क्योंकि ऐसे हुआ था कि आपको पता है कि हजरत उमर के दौर में हजरत उस्मान के दौर में जो इस्लाम है बहुत बहुत दूर दूर तक जो है ना वो फैला था, जंगें हुई थी, तो उन जंगों की वजह से जो मुसलमानों की हालत है वो कुछ अरसे तक जो है वो हजरत जो हजरत अबू बकर और हजरत उमर के दौर में थी वैसी नहीं रही, उन मुसलमानों का बहुत नुकसान हुआ, सहाबी शहीद हुए, मुसलमान कितने शहीद हुए, तो उनका जो माली नुकसान है वो भी हुआ था जिसमें घोड़े जो है वो उनके काफी जो है वो खत्म हो गए थे। इस वजह से एक वक्त आया हजरत अली के दौर में लोगों ने उनको मशवरा दिया कि अब जो है वो घोड़ों पर से जो है वो ज़कात हटा ली जाए, तो हजरत उमर के दौर में ये लगाई गई और हजरत अली के दौर में ये जो ज़कात है घोड़ों पर वो हटा ली गई। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि हजरत डैश हैड नॉलेज ऑफ ड्रीम्स। अब ये एक हदीस है जिसे मालूम होता है कि आप सल्लम ने जो है ना आप सल्लम को जब कोई ख्वाब आता था तो वो हजरत अबू बकर सदीक लेना के पास जाते थे और उनसे जो है वो उसको बारे में बता के उसकी इंटरप्रिटेशन लेते थे, उनसे समझते थे, और ये लोग मतलब कहा जाता है रिवायत के मुताबिक हजरत अबू बकर को जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से जो नॉलेज ऑफ ड्रीम था मतलब वो ख्वाबों की जो है वो इंटरप्रिटेशन करते थे, ख्वाबों के बारे में बताते थे। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हजरत डैश एडिट सेकंड अजान फॉर फ्राइडे प्रेयर। अभी हमने शुरू में अजान से रिलेटेड 3-4 एमसीक्यूज पढ़े, अब ये अजान से ही रिलेटेड है कि जो आपको पता है जो फ्राइडे की प्रेयर है प्रेयर्स हैं वो दो हैं, मतलब एक अजान पहले होती है जब जुमे की नमाज शुरू होती है शुरू शुरू में, फिर जब नमाज शुरू होने वाली होती है खुतबे से पहले एक अजान दोबारा होती है। तो वो पूछ रहा है कि जो सेकंड अजान होती है वो किसके दौर में हुई, वो हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में वो ऐड हुई थी। उसके बाद है अतीक जो है वो किसका टाइटल है, हजरत अबू बकर जो हमारे पहले खुलफा राशिदीन हैं खुलफा राशिद हैं मतलब खुलफा राशिदीन जो चार हैं हमारे हजरत अबू बकर हजरत उमर हजरत उस्मान अली और हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु अजमईन, उनमें से जो हजरत अबू बकर हैं उनका टाइटल जिन्हें हम अबू बकर सदीक भी कहते हैं उनका टाइटल उनका ही ये टाइटल है अतीक। अतीक का मतलब क्या होता है कि मोस्ट फेमस बेरर ऑफ मतलब अतीक ये उनका टाइटल है अबू बकर सदीक का जो जिसे हम सदीक भी कहते थे, ठीक है। इसके बाद है कि नेक्स्ट एमसीक्यूज हजरत डैश एस्टैब्लिश डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस। अब हमने ये पहले भी एमसीक्यूज पढ़े हैं कि जो मेजर डेवलपमेंट हुई है आर्मी बैतुल माल इरिगेशन सिस्टम फ्री ट्रेड हुई मुसलमानों की एक जुडिशरी का एक जो अदालत का एक बाकायदा निज़ाम बनाया गया आर्मी बनाई गई और पुलिस बनाई गई इस्लामी कैलेंडर बनाया गया, ये सब जो डेवलपमेंट हैं और जो इस्लामी कैलेंडर है जो वो किसके दौर में आया, जो फर्स्ट सेंसिस हुई ये एमसीक्यूज भी हमने पढ़ा, जो पहली मर्दमशुमारी हुई थी मुसलमानों की वो किसके दौर में हुई, तो ये सारी जो मेजर डेवलपमेंट है वो किसके दौर में हुई थी हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में हुई थी, तो उसी से रिलेटेड एक एमसीक्यूज है। उसके बाद है गनी किसका टाइटल है, हमें पता है हजरत उस्मान गनी, हमने अक्सर सुना है उस्मान गनी, गनी इस वजह से कहते थे कि वो बहुत ज्यादा जो है वो गनी थे जेनरस थे, अपना उनका जो भी माल था वो एक तो थे मालदार क्योंकि उनका तिजारत का तिजारत थी वो कारोबार करते थे इस लेकिन फिर भी उस कारोबार करने के साथ साथ वो क्या करते थे जो भी उनके पास माल होता था वो इस्लाम की राह में और इस्लाम को फैलाने में और इस्लाम की मदद करते थे अपने माल से, इस वजह से उनको उस्मान गनी का टाइटल दिया गया था। एक और एमसीक्यू इससे रिलेटेड आता है कि जुन्नोरैन किसका टाइटल है, जुन्नोरैन कहते हैं ऐसा शख्स जिसके पास दो नूर हो, दो नूर रखने वाला पोसेसर ऑफ टू लाइट्स उसको कहते हैं, तो हजरत उस्मान का ही टाइटल है जुन्नोरैन। ये क्यों कहते हैं दो से क्या मुराद है, क्योंकि ये वो सहाबी हैं जिनसे आप सुन की दो बेटियों का निकाह हुआ,
कौन कौन सी, हजरत रुकैया, फिर जब उनकी डेथ हो गई उसके बाद उनका निकाह हुआ उम्मे कलसूम से, तो इसकी वजह से उन्हें कहा जाता है पोसेसर ऑफ टू लाइट्स, दो नूर रखने वाला। वो नूर कौन है? आप सुन की बेटियां हैं, उनका नाम क्या है? पहले रुकैया, हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु अन्हा से शादी हुई, फिर जब उनकी डेथ हो गई तो उसके बाद किससे शादी हुई? उम्मे कलसूम से। इस वजह से उस्मान, हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हा, उनका एक टाइटल दो गनी है और दूसरा कौन सा है? ज़ुन्नुरैन। ये ज़ुन्नुरैन से जो वाला जो एमसीक्यूज है ये भी मोस्ट रिपीटेड है, अक्सर आता है। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है, हजरत डैश है द टाइटल द गेट वे टू नॉलेज। हमें पता है हजरत अली से अक्सर हम सुनते हैं, वैसे आजकल तो फेक हदीस भी, मतलब फेक बातें भी उनसे मंसूबे हैं, कोई भी बात हो नीचे हजरत अली रजी अल्लाह तआला लगा के जो है वो फॉरवर्ड कर देते हैं, कोई उसकी तस्दीक नहीं करते। और इसके अलावा जो सच ही है कि वो वाकई हजरत अली का नॉलेज इतना था, इस वजह से उन्हें गेट वे टू नॉलेज कहा जाता था कि वो इलम का दरवाजा थे। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है, फॉर 18 ईयर हजरत डैश सफर्ड फ्रॉम स्किन डिजीज। अच्छा, हजरत अयूब रजी अल्लाह अन्हु के बारे में एक बड़ा फेमस वाक्य है कि जो उनका सबर है उसके बारे में वो बहुत मशहूर है इस्लामिक हिस्ट्री में ना, और उनके बारे में कहा जाता है कि वो हर चीज पर सबर कर लेते थे, कभी भी उन्होंने अपनी जिंदगी में एक भी शिकवा अपनी जुबान पर नहीं लाया और वो अल्लाह ताला को बहुत महबूब थे। तो इसी सबर को अल्लाह ताला ने उनके जांचने के लिए ये कहा जाता है कि उनको एक स्किन की बीमारी में, जो जिल्द की बीमारी होती है उसमें मुब्तला किया था, और कई रवायात में ये भी आता है कि इस हद तक उनको वो बीमारी लगी थी कि उनकी जो जिल्द है उसमें कीड़े पड़ गए थे। कहीं पर आता है कि ये कीड़े वाली रवायात गलत है और कहीं आता है कि ये सच है। तो एक दफा ऐसा हुआ कि एक कीड़ा जो है वो उनकी स्किन से जो है वो बॉडी से नीचे गिरा, तो उन्होंने उठा के जो है वो उसको दोबारा ऊपर रख दिया और उनको बोला कि ये जो है ये अगर रिस्क अल्लाह ताला ने मेरी बॉडी में रखा है तो ये जो है वो उसको मिलेगा। मतलब इतनी एक मिसाल है उनकी पेशेंस की, उनके सबर की, कि वो इस हद तक सबर करते थे। आज तक उन्होंने ना कभी शिकवा नहीं किया किसी भी हालत में, दुख में सुख में हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। इस वजह से वो हमेशा जो अपने सबर की वजह से मशहूर थे। तो 70 साल की उम्र में अल्लाह ताला ने उनको एक स्किन की बीमारी में डाला था, तो फिर वो उनसे जो है वो क्या हुआ था, उनका जो पेशेंस है, उनका सबर अल्लाह ताला ने वो जज किया था। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि मैं तुम्हें जो है वो तुम्हारे माल से, तुम्हारी जान से, तुम्हारी औलाद से, हर तरीके से जो है वो तुम्हारी आजमाइश करूंगा और ये जांचूंगा कि कौन जो है वो सच्चा है, कौन झूठा है, कौन खरा है, कौन जो है वो खोटा है। अच्छा जी, इसके बाद एमसीक्यू है, हजरत डैश इज नाउन एज द फर्स्ट दरवेश। अच्छा, दरवेश जो है वो बेसिकली सूफीज्म में एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, जो इंसान जो है वो जो रिलीजियस प्रैक्टिस होती है ना, इबादत वगैरह, नमाज वगैरह, उसको छोड़ के वो कुछ अपने तरीके अपना लेता है, जिसको सूफीज्म का नाम भी दिया जाता है। जैसे आपने वो अक्सर कवालियां सुनी होंगी, तो उसमें लंबी टोपी पहन के लोग गोल गोल घूम रहे होते हैं सूफियों वाले, उनको भी दरवेश कहा जाता था। मतलब अब ये जो है साहबी हजरत अबू दर गफारी थे, जो आप सल्लम के दौर में थे, दरवेश हैं और ये पहले दरवेश थे। इसके बाद है फर्स्ट सेंसिस, जो पहली मर्दम शुमारी हुई थी। अभी हम ऊपर पढ़ के आए कि जो मेजर डेवलपमेंट हुई है इस्लाम की, बैतुल माल, इरिगेशन सिस्टम, आर्मी हो गई, नेवी, सॉरी आर्मी नेवी तो हजरत उस्मान के दिन में आई थी, आर्मी हो गई, बैतुल माल का सिस्टम हो गया, पुलिस हो गई, फर्स्ट सेंसिस जो हुई थी, ये सब जो मेजर डेवलपमेंट है किसके दौर में हुई थी? हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी इज बरीड एट। अब जब हमने पाकिस्तान अफेयर का सिलेबस किया था उसके अंदर हमने पढ़ा था डिफरेंट जो स्कॉलर्स थे, शाह वलीउल्लाह, शेख अब्दुल कादिर जिलानी तो नहीं पढ़े थे, लेकिन हमने डिफरेंट जो है वो सिलसिले पढ़े थे, जो है कादरी, चिश्ती, सोहरावर्दी, और इसी तरीके से जो कादरी के जो फेमस स्कॉलर हैं उनमें से एक जो है वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। वो ये पूछ रहा है कि वो दफन कहाँ है। अगर दफन का पूछ रहा है तो वो कभी ये भी पूछ सकता है कि वो पैदा कहाँ हुए थे। तो वो दफन जो है वो अभी बगदाद में, बगदाद जो है वो इराक का जो है वो एक इलाका है, वहां पर जो है वो दफन है। तो पैदा कहाँ हुए थे? ईरान में। तो ये आपने याद रखना है, रटा मारें इसको, कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी है, जो कादरी सिलसिले से जिनका ताल्लुक है, कादरी ऑर्डर से, वो ईरान में पैदा हुए थे। और जो है क्या कहते हैं, ईरान का पुराना नाम आपको पता है क्या था? पर्शिया था। तो पर्शिया आ जाए तो परेशानी हो जाना, तो वो पर्शिया में जो है वो क्या कहते हैं पैदा हुए थे, और बगदाद में जो है ना वो दफन हो। क्योंकि अब वो वहां क्यों नहीं दफन हुए, आपको पता है कि उनका काम इस्लाम की तबलीग था, तो वो एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते थे। इस वजह से आप देखेंगे जो डिफरेंट साहबी हैं उनकी, जो मदीने में थे आप सल्लम की वफ़ात के बाद, उन्होंने इस्लाम को फैलाया, तो किसी की कब्र आपको इराक में मिलेगी, किसी को ईरान में मिलेगी, कई जो है वो आपको फलस्तीन में मिलेंगी, इस तरह से जो पूरा इलाका है आपको अक्सर वो फैले हुए मिलेंगे। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है सूरा मीन्स सिटी ऑफ। अच्छा, सूरा जो हम पढ़ते हैं ना, ये कुरान मजीद की 114 सूरतें हैं, तो सूरा का मतलब क्या है?
सूरा का मतलब बेसिकली तो चैप्टर भी है, लेकिन अरबिक में कहा जाता है कोई ऐसी चीज जो घिरी हुई हो, जो किसी दीवार से या किसी दायरे से, और उसने कोई चीज इनक्लोज की भी हो, किसी चीज को हिफाजत दी हुई हो। तो सूरा का मतलब सिटी ऑफ रिफ्यूज भी होता है, मतलब हिफाजत दी हुई होती है। जैसे हम कहते हैं कि सूरा है एक चैप्टर है, उस चैप्टर के अंदर चीजें हैं जो महफूज हैं, मतलब वो फिक्स हैं। इसी तरीके से सूरा कहते हैं सिटी ऑफ रिफ्यूज को, रिफ्यूज पनाहगाह को कहते हैं, जो किसी चीज को पनाह दी हुई हो, छुपाया हुआ हो, महफूज किया हुआ हो। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, डैश वर्सेस वर रिवील्ड इन द फर्स्ट वही, पहली वही जो नाजिल हुई थी, हमें पता है, हमने पढ़ा था कि वो आप सलम को गारे हीरा में 40 साल की उम्र में जो है वो नाजिल हुई थी, और जो है वो आप सलम के ऊपर जब वही नाजिल हुई थी तो कहा गया था इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, जो टोटल आया थी वो कितनी थी, 5 थी। इसके बाद है नमाज कमांडेड इन कुरान फॉर डैश टाइम्स, नमाज का जो जिक्र है कुरान में कितनी बार आया, ये अक्सर एमसीक्यूज आता है, तो 700 मरतबा कुरान में जो है वो नमाज का जिक्र आया है, और ज़कात का जो जिक्र आया है वो कितनी मरतबा आया, 32 टाइम, 32 दफ़ा जो ज़कात का है कुरान में जिक्र आया। ये अक्सर एमसीक्यूज आते हैं कि नमाज का जिक्र कितनी बार आया कुरान में, तो 700 दफ़ा आया, और ज़कात का कितनी बार आया, 32 टाइम। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है, हजरत डैश वाज द फर्स्ट हाफिज ऑफ होली कुरान। अच्छा, अब इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, ये आपने जो है ना वो थोड़ा जहन में रखना है। अक्सर जो कॉपी पेस्ट करते हैं तो उसमें वो थोड़ी सी गलती कर लेते हैं। आपको अक्सर जो है वो हजरत जैद बिन साबित के बारे में भी मिलेगा, वो कौन थे, फर्स्ट हाफिज ऑफ होली कुरान थे, जो कि ये गलत है। वो फर्स्ट हाफिज नहीं थे होली कुरान के, अलबत्ता उन्होंने जो है वो होली कुरान को सबसे पहले जो है वो एक किताब की शक्ल में इकट्ठा किया था, जमा किया था। अब जो है हजरत उस्मान जो है क्या कहते हैं, वो है फर्स्ट हाफिज ऑफ होली कुरान। अगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो फिर आपने वो लगाना है, ये तो अंडरस्टूड है, क्योंकि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हो रही थी, तो पहले हाफिज, क्योंकि वो उनको तो याद था, वो बताते थे और वो लिखते थे। तो जो हजरत जैद बिन साबित हैं और जो बाकी हैं साहबी, वो लिख लेते थे, पत्तों पे लिखते थे, चमड़े की खाल पे लिखते थे। तो ये जो कन्फ्यूजन है इससे रिलेटेड आपने जहन में रखना है, ये अक्सर एमसीक्यूज, अगर ये थोड़ा सा ट्रिकी है, हजरत मोहम्मद सल्लम का नाम आए वैसे आता नहीं है क्योंकि वो तो अंडरस्टूड है, तो आपने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगाना है, वो ना हो तो आपने हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु लगाना है, और हजरत जैद बिन साबित अक्सर दिया हुआ होता है, वो गलत है। हाँ, अगर इन केस हजरत उस्मान का नाम ना हो तो फिर आप हजरत जैद बिन साबित लगा सकते हैं, क्योंकि ये गलती चलती आ रही है और अक्सर पेपर में भी ऐसे आ जाता है। लेकिन रियलिटी ये है कि हजरत जैद बिन साबित जो है वो पहले हाफिज कुरान नहीं थे, वो जो है क्या कहते हैं कौन थे, वो शख्स थे जिन्होंने पहली मरतबा कुरान को जो है किताब की शक्ल में इकट्ठे किया था। उसके बाद एक एमसीक्यू नीचे दिया हुआ अटैच है कि पहली हाफिज कुरान औरत कौन थी, तो वो हफ्सा बिनते उमर थी। ऊपर जब हमने एमसीक्यूज पढ़े थे उसमें हमने पढ़ा था जो हफ्सा है वो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला की बीवी, सॉरी बेटी थी, और आप की कौन थी, बीवी थी। बीवी हुई तो हमारी क्या हो गई, उम्मातुल मोमिनीन में से हो गई, उम्मत की माँ हो गई। तो वो जो थी, हम ये एमसीक्यूज भी हमने पढ़ा था कि वो कौन सी आप सल्लम की बीवी थी जिनकी जो जहानत को देख के आप सल्लम ने उनकी पढ़ाई लिखाई का बंदोबस्त किया था, तो वो भी कौन थी, हफ्सा बिनते उमर थी, और वो कौन थी, औरतों में सबसे पहले हाफिज कुरान थी, हाफिजा थी। अच्छा, इसके बाद ये नेक्स्ट एमसीक्यूज है, हजरत डैश प्रपोज द कंपाइलेशन ऑफ होली कुरान। अब ये हमने देखा था इससे पहले, हम एमसीक्यू, ये जवाब है हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, और हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में हमने पढ़ा था, जो अजान का मशवरा है वो भी किसने दिया था, हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने। और ये हुआ कब था, हजरत अबू बकर के दौर में हुआ था, हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये मशवरा दिया कि कुरान जो है वो डिफरेंट चीज़ों पर लिखा हुआ है। अब वैसे तो एक ज़ईफ आयत ये भी है कि जो सॉरी सूरह बकरा है या कौन सी आयत है उसकी जो है, सॉरी सूरत है उसकी जो है वो कुछ आयत ज्यादा थी जो बकरी ने जो है वो लिखी हुई थी पत्तों के ऊपर, तो वो उन्होंने खा ली थी। बड़ी ज़ईफ हदीस है, इसमें अपने सच की हद तक है वो अल्लाह बेहतर जानता है। तो पहले जो है वो, अब बकायदा पेपर तो नहीं होते थे, तो जब पेपर आपने पढ़ा है वैसे फर्स्ट टाइम किसने यूज किए थे, चाइनीज ने यूज किए थे, ये वैसे जीके में एमसीक्यूज आता है। अच्छा, हम जो पढ़े हैं उसमें ये है कि जब हजरत अबू बकर का दौर था, क्योंकि हजरत मोहम्मद सल्लम अब चले गए, उनके बाद पहले दौर आया हजरत अबू बकर का 632 से 634, तब उन्होंने हजरत उमर ने मशवरा दिया हजरत अबू बकर को क्या करें जनाब, जो वो क्या कर लें, होली कुरान को कंपाइल करके किताब की शक्ल में लिख लें ताकि उसकी हिफाजत हो जाए। फिर उन्होंने क्या किया था, हजरत अबू बकर ने किसके जिम्मे लगाया था, ऊपर अभी हम पढ़ के आए हैं, हजरत जैद बिन साबित के, उन्होंने क्या किया था, वो उसको जो है वो किताब की शक्ल दी थी, इकट्ठा किया था। एक किस अथॉरिटी के तहत कॉन्स्टिट्यूट की जा रही है, तो इस सेक्शन के अंदर वो जो है प्रोवाइड किया गया है, notwithstanding anything contained in any other law of the time being enforced, unless and until के इसके against कोई और चीज जो है किसी और law के अंदर लिखी हुई है, ठीक है, अगर वो नहीं है,
वेल एंड गुड। तो फिर क्या है, द फेडरल गवर्नमेंट मे कॉन्स्टिट्यूट, तो जी ये वाला जो सेक्शन है इट एम्पावर्स द फेडरल गवर्नमेंट टू कॉन्स्टिट्यूट एन एजेंसी टू बी कॉल्ड फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी फॉर इंक्वायरी इनटू। अब ये इसका मकसद है या उसका कहने के पर्पज है वगैरह वगैरह, जो भी उसकी कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पज कह सकते हैं, फॉर इंक्वायरी इनटू एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑफेंसेस स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल, ऑफेंसेस स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल। यहाँ से आपको क्या समझ आती है कि शेड्यूल के अंदर आपके ऑफेंसेस सारे के सारे स्पेसिफाइड हैं कि किन किन की इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, किन किन के अंदर इंक्वायरी कर सकती है FIA। ठीक हो गया। तो शेड्यूल जो है यही वजह है, मैंने आपको वीडियो में भी ये बताया था, किसी ने देखी है तो ठीक है, नहीं देखी तो खैर फिर भी है। देखिए जो आपका शेड्यूल है उसमें काफी ज्यादा एंट्रीज है, जब लास्ट टाइम व्हेन आई चेक उसमें आई थिंक 31 एंट्रीज थी मेजर जो है, और मतलब 31 लॉज थे जो कि FIA को एम्पावर करते थे कि हाँ जी आप इस लॉ के अंडर भी एक्ट कर सकते हैं या जुरिस्डिक्शन ले सकते हैं, आप कॉग्निसेंस ले सकते हैं किसी क्राइम की, आप इस लॉ फॉर एग्जांपल वो एक्सप्लोसिव्स एक्ट भी है, इसी तरह ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है, इसी तरह करेंसी एक्सचेंज के बारे में भी एक एक्ट है, एंटी टेररिज्म एक्ट है, एंटी करप्शन एक्ट है वगैरह वगैरह काफी सारे हैं। तो उन सारे ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, आई थिंक प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट भी है, ये सारे लॉज जो है ये क्या है, ये सारे एम्पावर करते हैं, इजाजत देते हैं कि हाँ जी FIA जो है इन लॉज के अंडर दिखा के जा सकते हैं, भाईजान ये हमने पैका जो है हमें एजेंसी की तरफ से अलाउड है, तो हम पैका के अंडर आपको अरेस्ट करने आए हैं कि आप साइबर क्राइम कर रहे हैं या आप फ्रॉड कर रहे हैं, साइबर फ्रॉड कर रहे हैं, बुलिंग कर रहे हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, तो उसमें काफी ज्यादा ऑफेंसेस है। अब देखें कि पूरा का पूरा लॉ जो है वो कभी भी इसके अंडर नहीं लिखा होगा कि जी सारा का सारा CRPC जो है वो आपका जिस मर्जी क्राइम के अंडर जो है आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, नहीं। जो इनके रेलिवेंट है फेडरल गवर्नमेंट के या फिर फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंसेस के लिहाज से या फिर क्रॉस बाउंड्री जो क्राइम होते हैं उनके हवाले से FIA का सबसे ज्यादा रोल होता है, या फिर बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल क्राइम जो है उनके अंदर जो है वो FIA का बहुत ज्यादा रोल है। सो वो सारे के सारे स्पेसिफाइड है, CRPC के सेक्शन स्पेसिफाइड है, उसके अलावा ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट है वगैरह वगैरह, हर एक चीज के अंदर स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं कि आप इस प्रोविजन का अगर इस नेचर का इस तरह का क्राइम है तो आप उसकी कॉग्निसेंस ले सकते हैं और उसके साथ फिर आप एक्ट कर सकते हैं। समझ आती है? अब शेड्यूल में मसला तो नहीं रहेगा कि शेड्यूल क्या है और इसको याद करना है, शेड्यूल को आपने बिल्कुल याद नहीं करना, सिर्फ नंबर ऑफ एंट्रीज उसकी याद करना है, वो भी मेरे ख्याल में आएगा नहीं। ठीक है, चले जी। इंक्लूडिंग एंड अटेम्प्ट और कंस्पिरेसी टू कमिट, के अगर कोई बंदा अटेम्प्ट कर रहा है कि उसने कोई क्राइम करना है या फिर वो किसी के साथ साजिश करता है कि हम ये काम करते हैं तो उसको भी ये पकड़ सकते हैं। एंड अबेटमेंट ऑफ या फिर किसी की मदद करता है एनी सच ऑफेंस, किसी इस तरह के क्राइम में, अगर वो किस तरह के क्राइम में, वो सारे क्राइम्स जिसके जो के शेड्यूल में लिखे हुए हैं उनमें उनके लिहाज से अगर कोई अटेम्प्ट कर रहा है कि जी मैं इस तरह क्राइम करूं, या साजिश करता है कि यार ये काम करते हैं, या फिर कोई बंदा किसी और की मदद करता है, तो वो बंदा भी उसके घेरे में आ सकता है FIA के। द एजेंसी शेल कंसिस्ट ऑफ ए डायरेक्टर जनरल टू बी अपॉइंटेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट एंड सच नंबर ऑफ अदर ऑफिसर्स एज द फेडरल गवर्नमेंट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम पॉइंट टू द एज अ मेंबर ऑफ एजेंसी। तो एक तो सबसे पहले ये है कि सेक्शन 3(2) में वो बता रहा है कि इस एजेंसी का एक DG होगा, मैं अब शॉर्ट फॉर्म में DG कहूंगा क्योंकि बार बार पूरा इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और डायरेक्टर जनरल कह कह के मैं थक जाऊंगा, तो आहिस्ता आहिस्ता मैं थोड़ी सी जो है ना एब्रीवेशन यूज करता रहूंगा आपके साथ इस लेक्चर में। इस एजेंसी का एक DG होगा और एनी सच नंबर के जितने भी मर्जी हो जाए इस तरह के ऑफिसर्स या मेंबर्स जो के फेडरल गवर्नमेंट को लगता है कि इस एजेंसी में होने चाहिए ताकि ये एजेंसी अपना काम पूरा कर सके। ठीक है जी, तो वो सारे ऑफिसर्स जो है या फिर मेंबर्स जो है वो कौन अपॉइंट करेगा, वो अपॉइंट करेगी जनाब फेडरल गवर्नमेंट, ना प्राइम मिनिस्टर करेगा, ना DG करेगा, ना मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर करेगा, आपको वहां पे फेडरल गवर्नमेंट का ऑप्शन आता है तब आपने लगाना है बस। ठीक हो गया, आगे जी। नंबर 4, सुपरिंटेंडेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एजेंसी, कि इस एजेंसी की जनाब सुपरिंटेंडेंस रखवाली या फिर इसके ऊपर इसकी सरबराही कौन करेगा, सरपरस्ते आला जिसको कहते हैं मेरे ख्याल में,
वो कौन करेगा, और एडमिनिस्ट्रेशन के इसका जो काम शाम है उस सारे को अरेंज कौन करेगा, या फिर काम सारे इस एजेंसी से करवाएगा कौन। सुपरिंटेंडेंस ऑफ एजेंसी शैल वेस्ट इन फेडरल गवर्नमेंट, तो जनाब सुपरिंटेंडेंस जो सरप्रस्त आला है वो तो फेडरल गवर्नमेंट ही रहेगी, इस एजेंसी की सुपरिंटेंडेंस जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के पास रहेगी। एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास होगी जनाब, एजेंसी शैल वेस्ट इन द डीजी हु शैल एक्सरसाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ द एजेंसी सच पावर्स ऑफ द पावर्स ऑफ एन इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अंडर द पुलिस एक्ट 1861 एज मे बी रूल्स। तो जनाब एडमिनिस्ट्रेशन इस एजेंसी की जो है वो होगी किसके पास, डायरेक्टर जनरल के पास, जो कि इसको एक्सरसाइज करेगा इन इस एजेंसी को चलाने के लिए वो ऐसी पावर्स एक्सरसाइज करेगा जो कि एक आईजी पुलिस के पास होती है, और आईजी पुलिस के पास जो पावर्स हैं वो कहाँ लिखी हुई है, वो लिखी हुई है जी पुलिस एक्ट 1861 में। ठीक हो गया जी।